अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। ये वीडियो मैं जो मैं डिस्कस करूंगा, अगर आप सही तरीके से समझ लोगे तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज में, बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। मैंने एक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वो पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सब स्टूडेंट्स मतलब जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप्स जो भी हैं, उसमें आप लोग शेयर करो। उसमें मैंने टॉपिक्स भी मेंशन किए हैं कि पूरे चैप्टर के उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो डिस्कस नहीं किए जाते एमसीक्यूज के लिए, लेकिन बुक में मौजूद थे तो मैंने वहां पे ऐड किए हैं। तो हर चैप्टर के टॉपिक्स हैं, उसके बाद उसके एमसीक्यूज हैं, उसके बाद उसकी आंसर की है। तो बड़े मेहनत लगी है पीडीएफ पे, उसका ख्याल रखना है आप लोगों ने। दूसरी चीज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, मुझे व्यूज चाहिए इसके ऊपर। व्यूज सिर्फ इसी वजह से चाहिए कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो जितना ज्यादा लोगों तक जाएगी, एक तो मेरा चैनल ग्रो होगा, इसका मतलब ज्यादा लोग देखेंगे, उसका मतलब ज्यादा सवाब मिलेगा मुझे। तो मेन काम आपने क्या करना है, आपने शेयर करते जाना है, क्योंकि मेरा इससे एक ही बेनिफिट है, शौक पूरा करना और सवाब हासिल करना, क्योंकि पैसे तो मेरे पास होते नहीं, ना मैं कमाता हूँ चैनल से, तो यही मेरा मकसद होगा। दूसरी बात, तीसरी बात बल्कि, ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिया है, इसको जाके अभी जाओ आप लोग और प्रिंट करवा कर आओ जल्दी से। गए नहीं आप लोग अभी तक, जाओ भाई, उसके बगैर नहीं सॉल्व कर पाओगे। मैं कंप्यूटर पे सॉल्व नहीं करवाता कि एमसीक्यू सामने होंगे, जाके प्रिंट करवाओ जल्दी से। आ गए, ठीक है। तो चोरपन के बाद में आप लोगों को ये मशवरा देना चाहूंगा कि इस पीडीएफ को लाजमी डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कर लेना, अपने पास रख लेना, वीडियो मेरे साथ देखते जाना। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है या लैपटॉप मोबाइल है तो एक में मेरी वीडियो लगा के देखो, एक में आपके पास एमसीक्यूज खुले हुए हो, तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। आखिरी बात एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले कि मैंने, बल्कि सेकंड लास्ट बात कि मैंने इस वीडियो में चैप्टर्स भी ऐड किए हैं। यूट्यूब का ऑप्शन होता है चैप्टर्स का, तो आप जहां पे टाइम लिखा हुआ आ रहा होता है ना, वहां पे क्लिक करोगे ना, तो जिस भी चैप्टर पे आप स्किप करना चाह रहे हो, चैप्टर वन, चैप्टर टू, वो आप क्लिक करोगे, वहीं से वो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पूरी वीडियो अगर नहीं भी देखनी, कोई स्पेसिफिक चैप्टर देखना तो वहां पे क्लिक करना और आसानी से आप वो देख लोगे। और आखिरी बात, जब भी आप किसी चैप्टर के एमसीक्यूज करो तो उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, आपने एक्सरसाइज भी सॉल्व की है, तब उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यूज बाद की चीज होती है, ये नहीं कि एमसीक्यूज पहले सॉल्व करने बैठ जाओ, चैप्टर बाद में रिवाइज करो, नहीं, रिवाइज कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज जब आपने सॉल्व कर लिया उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो तो आप बेस्ट तरीके से सॉल्व कर लोगे। क्योंकि मैं इसमें ऐसी अज्यूम करूंगा कि आपने सॉल्व किया हुआ, तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, एमसीक्यू बहुत ज्यादा है। तो सब चीजें करने के बाद अब इसको देखना स्टार्ट करो, ये मेरे कुछ मशवरे थे। नहीं माने ना मानो, मानने तो आपकी अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर वन से। चैप्टर नंबर वन फंक्शन एंड लिमिट्स, दोनों पोर्शन आते हैं। अच्छा, पीडीएफ को मैंने डिजाइन इस तरीके से किया हुआ है कि इसमें बोल्ड एमसीक्यूज जो है उसका मतलब वो पास पेपर में आ चुके हैं। तो हर चैप्टर के स्टार्ट में आपको बोल्ड एमसीक्यूज मिलेंगे, इसका मतलब वो बोर्ड में आ चुके हैं। और उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज होंगे, अगर आपके पास टाइम कम है तो वो आप ना करना, आपसे बोल्ड वाले कर लेना पास पेपर में जो आए हैं, क्योंकि अभी जब आपके आएंगे तो ऑलमोस्ट पास पेपर जैसे ही आएंगे, थोड़े बहुत अलग वो देते हैं लेकिन ज्यादातर पास पेपर के होते हैं। तो अगर टाइम कम है तो आप बोल्ड वाले जो है हर चैप्टर के वो सॉल्व कर लेना। अगर तैयारी थोड़ी अच्छी करना चाह रहे हो तो बोर्ड के अलावा जो मैंने एमसीक्यूज दिए हैं, जो बोर्ड नहीं हुए वो मैंने अपनी तरफ से डालेंगे कि चलो एक्स्ट्रा थोड़ी और प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो काफी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, देख लेना इसको, सही तरीके से तैयारी कर लेना। तो बच्चों चैप्टर नंबर वन पे आ जाओ। चैप्टर वन में सबसे पहला एमसीक्यूज आपके पास लिखा हुआ है, फंक्शन गिवन है और आपको बोला हुआ है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो आपके पास बहुत ही मशहूर जमाना फंक्शन है, ये आपके 1.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको नजर आएगा, 12 का कोई पार्ट है। ये फंक्शन गिवन है और आपको बोला जा रहा है कि ये इवन है या ऑड है। तो आप इस फंक्शन में इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स लिख लेना, आप इस फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करो, यहां पे भी एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। और कॉस के अंदर जब नेगेटिव आता है ना तो वो नेगेटिव इग्नोर कर देते हो, टेंजेंट और साइन के केस पे अगर नेगेटिव आता है तो उसको बाहर करते हो, कॉस के केस में माइनस आता है उसको इग्नोर कर देते हो। मैं साथ साथ थोड़ी एक्स्ट्रा बातें भी बताता जाऊंगा आपको, तो ये आ जाएगा। अब देखो, इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन, उसमें शर्त ये होती है कि ओरिजिनल फंक्शन आपका आ जाना चाहिए जब आप माइनस पुट करो। तो जब मैंने माइनस पुट किया मेरे पास ये फंक्शन आ रहा है, ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन नहीं है। ओरिजिनल फंक्शन में दोनों पॉजिटिव थे, साइन प्लस कॉस, मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन आ ही नहीं रहा, तो इवन ऑड की तो बात ही नहीं होगी। इवन ऑड की बात ही उस वक्त होती है जब आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आए, यहां पर ओरिजिनल फंक्शन ही नहीं आ रहा। आप कह रहे हो सर अगर मैं माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो ये आएगा, तो अगेन ओरिजिनल फंक्शन आपका आ ही नहीं है। तो अगर आपका ओरिजिनल फंक्शन आ जाए पूरा तो वो होता है इवन फंक्शन, अगर आपका ओरिजिनल फंक्शन आ जाए विद नेगेटिव साइन वो होता है ऑड फंक्शन,
और अगर आपका ओरिजिनल फंक्शन आ ही नहीं रहा माइनस पुट करने के बाद, इसका मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड. तो अच्छा पहले मैं फंक्शन वाले करवा लेता हूं एमसीक्यू, वरना बीच में लिमिट आ जाएगी मसला होगा. नाइन में लिखा हुआ एक फंक्शन लिखा हुआ और आपसे पूछा हुआ इवन है ऑड. तो याद रखो बच्चों जो कॉस है ना, ये एमसीक्यू नंबर नाइन की बात कर रहा हूं मैं, जो कॉस है वो एक इवन फंक्शन होता है. क्योंकि आपने भी देखा कॉस के अंदर जब आप नेगेटिव पुट करते हो तो वो कॉस के बराबर होता है, मतलब ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है विद पॉजिटिव साइन, नेगेटिव नहीं होता. तो कॉस एक इवन फंक्शन होता है जबकि साइन और टेंजेंट एक ऑड फंक्शन है. अगर मैं बोल रहा हूँ कॉस इवन है तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी इवन होगा, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि साइन और टेंजेंट ऑड है तो इनके रेसिप्रोकल कॉस और सॉरी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कॉट, ये भी ऑड होंगे. ठीक है, 10 में अगेन आपको चेक करना है फंक्शन इवन है ऑड. ये बहुत फेवरेट एमसीक्यूज है फंक्शन के, बोर्ड वालों के. तो आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है एमसीक्यूज नंबर 10 में के मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. आपको बोला हुआ है कि बताओ, अच्छा यार कोई भी मिस्टेक हो किसी भी आंसर की में आपको मिस्टेक नजर आ रही है फॉर्म मुझे बता देना. आपको बोला हुआ है कि आप चेक करो कि इवन है या ऑड है. तो आप क्या करो, यहां पे आप माइनस एक्स पुट कर दो, यहां पे भी माइनस एक्स पुट कर दो, यहां पे माइनस एक्स पुट कर दो. तो आपको पता है मॉड के अंदर माइनस हो तो उस माइनस को इग्नोर कर दो. इसी तरह आपको पता है माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है. तो ऑब्जर्व करो ओरिजिनल फंक्शन आपका आ गया विद पॉजिटिव साइन. ठीक है, तो जब भी आपको ओरिजिनल फंक्शन याद है उसको आप बोलते इवन फंक्शन. वैसे भी जब दो इवन फंक्शन एड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो रिजल्ट भी इवन ही होता है. जैसे ये भी इवन होता है, ये भी इवन होता है, तो इन दो इवन को आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट में भी आपके पास इवन ही आ रहा होता है. बट आप माइनस एक्स पुट करके भी देख लो तो आपको पता चल जाएगा ये एक इवन फंक्शन है. ये आपको 1.1 के क्वेश्चन नंबर 12 में सारे मिल जाएंगे, ये वहीं के तकरीबन पार्ट है, 11 भी वहीं का पार्ट है. तो आप इसमें पुट करो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स. तो आप पुट करो एक्स की जगह पे माइनस एक्स और नीचे वाले एक्स की जगह पे माइनस एक्स, ये वाला हो जाएगा मॉड एक्स. नेगेटिव इग्नोर कर दो, मॉड के अंदर वाला नेगेटिव होता है तो इग्नोर कर देते हैं. अब देखो ये पूरा आपका ओरिजिनल फंक्शन है, ये वाला, ये पूरा ओरिजिनल फंक्शन आ गया विद नेगेटिव साइन. तो ये होता है ऑड फंक्शन के ओरिजिनल फंक्शन आ जाए विद नेगेटिव साइन, ऑप्शन नंबर बी यहां पे ठीक है. 12 में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा, आपसे बोला जा रहा है कि बताओ इसकी डोमेन क्या है. अब कोई भी आपके पास रैशनल फंक्शन गिवन हो, रैशनल फंक्शन का मतलब होता है जो फ्रैक्शन में हो, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉलीनोमियल हो. खैर मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा. क्या कहते हैं, डोमेन की क्या होती है किसी भी रैशनल फंक्शन की, के जो डिनोमिनेटर है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए. जिन वैल्यू पे अच्छा डोमेन सब रियल नंबर होती है. कोई भी आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है ना तो आंखें बंद करके आप रियल नंबर लिख दो. कोई भी रैशनल फंक्शन गिवन है आप बोलो डोमेन उसके रियल नंबर है. अब रियल नंबर में से माइनस कर दो वो नंबर जो उसके डिनोमिनेटर को जीरो कर रहे हैं. तो क्या इस फंक्शन में कोई भी ऐसी वैल्यू क्या इसके डिनोमिनेटर को जीरो कर रही है. वैसे आपको पता चल जाएगा वन, लेकिन आप इसको सॉल्व भी कर लो. आप डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर रखो, एक्स का आंसर आ रहा है वन. इसका मतलब वन वो वैल्यू है कि जब मैं डिनोमिनेटर में पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो आपकी फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाएगी. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सब रियल नंबर डोमेन है सिवाय वन के, रियल नंबर में से आप वन को हटा दो. वन वो नंबर है जो मसला कर रहा है. तो डोमेन इस तरीके से आप निकालते हो. अब मजीद अगर आपने सवाल को समझना है तो 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 उसमें आपको डिफरेंशिएट भी करना होता है, साथ डोमेन भी बाउंड करनी होती है. तो वो मैंने चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है, उसमें बाकी फंक्शन भी थे तो उनकी भी आप डोमेन सीख लेना. अच्छा जी, 13 में आपको ये दे दिया है, मतलब ये फंक्शन है, नहीं अलग है, अलग अलग है. 13 में आपको गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स. तो याद रखो अगर एक इवन है और एक ऑड है उनको आपस में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो नाइदर बनता है. पुट करके भी देख लो, ये एक ऑड फंक्शन है, एक्स की जगह में माइनस एक्स पुट करो और ये एक इवन फंक्शन है, तो देखना होगा क्या ये आएगा. अब देखो ये ओरिजिनल फंक्शन तो नहीं है. आप कहते हो सर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लोगे तब भी ओरिजिनल फंक्शन नहीं आएगा. उसका मतलब ओरिजिनल फंक्शन आ ही नहीं रहा, नाइदर इवन नॉर ऑड. ठीक है, तो देखो जैसे ये भी एक ऑड इवन था आपने ऐड किया तो नाइदर आया, इसी तरह ऑड इवन ऐड किया नाइदर आया. तो जब भी ऑड और इवन को आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास नाइदर आता है, ना इवन होता है ना ऑड होता है. 14 में आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे. वही काम करो, आप माइनस एक्स पुट करो, यहां पे माइनस एक्स आ जाएगा, इसी तरह कॉस के अंदर माइनस एक्स पुट करो.
साइन माइनस एक्स मैंने आप लोगों को बताया माइनस बाहर आ जाता है और कॉस के अंदर हो तो इग्नोर कर दो उसको, ये चीज। तो अब देखो ओरिजिनल फंक्शन आपका आ गया, एग्जैक्ट ओरिजिनल फंक्शन आ गया विद नेगेटिव साइन, तो ये कंडीशन किसकी होती है, ऑड की होती है, तो ये फंक्शन ऑड है। 15 में आपको बोला हुआ लीस्ट अपर बाउंड LUB, ये दो चीजें होती हैं, ये आपको 1.4 से पहले आई गेस मिल जाएंगी, एक होता है लीस्ट अपर बाउंड, एक होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इनकी डिटेल तो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, मेरे चैनल पे अपलोड है, लेकिन मैं आपको बस बेसिक सी बात बता दूं, अगर आपको एक सेट गिवन है और आपको बोला जा रहा है कि यार LUB निकालो, लीस्ट अपर बाउंड निकालो, तो आप किस तरीके से निकालोगे, आप देखोगे सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट, लीस्ट समझ के छोटा नहीं करना, सबसे बड़ा आप देखोगे, क्योंकि बड़ा मतलब अपर बाउंड की बात की जा रही है। लीस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, मैं बताया चैनल पे अपलोड है, शो को देख लेना, अभी ये टाइम नहीं है मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने बैठ जाऊं। अपर बाउंड से आपने देखना है, लीस्ट अपर बाउंड आ रहा है मतलब अपर, तो इसका मतलब आपने सबसे बड़ा नंबर देखना है, तो अगर आप इस सेट में देखो सबसे बड़ा नंबर 21 है, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, 21 होगा। और अगर आपको बोला जाए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड का मतलब सबसे छोटा नंबर, और सबसे छोटा नंबर किधर है, -10 ही, ठीक है, तो GLB यहाँ पे -10 हो जाएगा और LUB यहाँ पे 21 हो जाएगा, LUB का बोला था तो 21 राइट ऑप्शन है। अच्छा उसके बाद 17 है, क्योंकि मैं फंक्शन के साथ एक साथ करवा रहा हूं, तो 17 में आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है f(x)√x और आपको बोला हुआ है कि 16 निकालो, तो आप यहाँ पे 16 पुट करो, आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें कंफ्यूजन आमतौर पर बच्चों को होती है, वो समझते हैं कि रूट 16 का आंसर प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन ये भी मैंने अपने वीडियो चैनल पर अपलोड की हुई है, एक y की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, जाके वहां समझना कि स्क्वायर रूट का आंसर प्लस माइनस होता है या सिर्फ प्लस होता है, मैंने डिटेल में बताया है, तो प्लस होता है, प्लस माइनस नहीं होता। जब भी रूट 16 आ रहा है आंसर उसका 4 होगा, ठीक है। वरना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यार माइनस 4 भी ठीक है 4 भी ठीक है, ए बी दोनों में ऑप्शन है, आप कौन सा सेलेक्ट करें, तो भाई कोई इसमें टाई नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 4 ही आंसर आएगा इसका। अच्छा जी, उसके बाद 19 में आपके पास डायरेक्ट ऑड की कंडीशन पूछ रही है, तो ऑड की कंडीशन ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है, कैफ के अंदर अगर आप माइनस एक्स पुट करो तो ये बराबर होता है माइनस एफ ऑफ एक्स के, मतलब ओरिजिनल फंक्शन आ गया विद नेगेटिव साइन। अच्छा जी, उसके बाद 22 मशहूर जमाना एमसीक्यू, जो मैं अपने बारे में गलत किया था क्योंकि मेरे टीचर्स ने बताया नहीं था, क्योंकि हमारे टीचर्स का फोकस होता था क्वेश्चन सॉल्व करवाना, कॉन्सेप्ट गया तेल लेना। ये चीज जो है जो मैंने सवाल में आपको नहीं बताई, क्यों नहीं बताई, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था आर एरो आर, इसका मतलब डोमेन भी रियल नंबर रेंज भी रियल नंबर, कोई मसला नहीं है। मसला उस वक्त आता है जब आर ना लिखा हो, तब को खतरा होता है, जैसे पहले नंबर पे आर नहीं लिखा हुआ। अब इसका मतलब कितने लोगों को पता ही नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी में आपको बता दूं। बारह ये अभी फंक्शन नहीं गिवन, ये फंक्शन के बारे में बताया गया है। पहली चीज जो होती है इसको आप इनपुट बोलते हो, क्या आप ये चीज आपने पुट कर सकते हो फंक्शन के अंदर, और रेंज क्या होती है, रेंज कोई भी रियल नंबर आ सकती है, इसका मसला नहीं होता। असल मसला इसका हो रहा होता है कि आपने पुट क्या करना है, ये आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है कि आपने क्या पुट करना है इस फंक्शन के अंदर। बट फंक्शन है क्या, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मालूम क्या करना है एफ ऑफ माइनस टू, ये मालूम करना है। अब मैंने अपने बारे में इसका आंसर 4 लिखा था, आप यहां पर माइनस 2 पुट करो, माइनस 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि मुझे नहीं पता था, घर में आके जब मैंने चेक किया बोर्ड वालों ने आंसर की में अनडिफाइन लिखा हुआ था, मैंने कहा यार ये कुछ पी वी के आए हैं आंसर की फालतू की बना दिए, इसका तो कुछ शक ही नहीं है भाई, डायरेक्ट माइनस 2 पुट करो आंसर आ जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं यार हमारे साथ ना गेम हुआ बहुत बड़ा, हमने खैर नहीं मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो इनपुट की इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ना ये को रैंडमली -1, -5 में लिखा हुआ, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि -5, -1 और 5 के दरमियान सारे रियल नंबर, -1 और 5 के दरमियान सारे रियल नंबर इसके अंदर आएंगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब -1 भी शामिल है, इसी तरह 5 भी शामिल है, तो ये इंटरवल क्या बनेगा, इंटरवल बनेगा -1 और -1 से ग्रेटर सारे, -0.5, -0.2, 1, 2.2, 2.8, 3, 5 सब आएगा, अब टू कहां तक जाना है 5 तक। ये पूरा सेट आपको दिया गया है कि इसी में से आप इनपुट कर सकते हो, इसके अलावा आप इनपुट नहीं कर सकते। तो जो आपको इनपुट करना है सवाल में वो -2 है, -2 इसके अंदर आते ही नहीं है, -2 तो -1 से पहले होगा ना, तो -2 आप पुट नहीं कर सकते। वैसे फंक्शन में कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, -2 पुट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते इसको, ये रीजन है। अगर पेपर में इस पूरी चीज की जगह पे ये चीज आ जाए आर, अब कोई मसला ही नहीं है, आर का मतलब कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, तो -2 रियल नंबर ही है ना, तो पुट कर ले, लेकिन अभी के लिए अनडिफाइन हो गए, बस फंक्शन खत्म हो गया, जरा लिमिट पे आ जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 पे आ जाओ यार, ये तो पूरा फॉर्मूला है लिमिट का,
या आपको 1.7 में इस्तेमाल करते हो, इस पूरी चीज का आंसर 1 होता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला मैं क्या समझाऊं उसके बारे में। अच्छा ये चीज देख लो, ये यार कुछ ऐसे एमसीक्यूज है यार जो रिपीट होते हैं बार बार, लाइक वैल्यूज फंक्शन वही होता है बस वैल्यू चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल इतने तरीके से आया है पेपर में, मैं थक गया था, कुछ तो मैंने डाले कुछ मैंने डिलीट किया लाजमी। कभी सी आ जाएगा इसके साथ, कभी 2 आ जाएगा 2x, कभी 3x आ जाएगा, कभी फ्रैक्शन में आ जाएगा 2/3x। सबकी टेक्निक सेम ही है, तो मैंने कहा यार एक तो डाल दो, बाकी डालने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज को बार बार रिपीट मैं क्यों करूं। तो इसका टेक्निक क्या होती है? वैसे तो यार कॉन्सेप्ट है, आप सवाल में देख लेना कि आप सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे फिर ये वाला सी ऊपर चला जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस किया होगा 1.6 का ये टॉपिक है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं, वो ये है कि जब भी साइन अपॉन एक्स वाली फॉर्म हो और साइन के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो डायरेक्ट इसका आंसर वही होता है, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वही इसका आंसर है। मैं अभी कॉन्सेप्ट बताने नहीं बैठा एमसीक्यूज में, वो आप जाके एक्सरसाइज में देख लेना, मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे छेड़खानी नहीं करते बोर्ड लेवल पे, जब लिमिट जीरो के पास अप्रोच कर रही हो तभी ये सब चीजें होती हैं, लेकिन आपके साथ ये छेड़खानी नहीं करते, ई कैट में कर रहे होते हैं। तो आपने बस इतना याद रखना है, अगर नीचे पे नंबर लिखा हो ना तो उसका फिर एक और हल करेंगे कि उस नंबर को हम बाहर कर देंगे, उसके बाद जो यहां पे लिखा होगा वो आंसर आ जाएगा और जो नंबर बाहर था वो डिवाइड हो जाएगा, जो भी है वो भी ऐसी एग्जांपल्स आएंगी। लेकिन आप बस इतना समझ लो अभी कि ऊपर कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको बाहर कर दो, ये आपका आंसर होगा। तो इसी तरह अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं साइन 2x तो उसका क्या हो जाएगा 2, अगर मैं यहां पे लिख दूं साइन 2/3x तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3। तो x के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी वही आंसर होता है, फॉरन आंसर आप दे देना, इसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे ठीक है। इसी टाइप के मैं एक और सवाल करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। 7 में क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 4/5x/x। तो आंखें बंद करके x के साथ जो भी चीज लिखी है वो लिख दो। इस टाइप के और भी सवाल थे मैंने डिलीट कर दिए। अच्छा कोई और भी सवाल है मैं आपको बताता हूं इस टाइप का है वो, हाँ ये वाला 16 में अगर देखो आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x/2x। तो मैंने बताया था कि जो अगर ये वाला नंबर है ना नीचे जो भी अगर नंबर आ रहा है तो उसको एज इट इज आंसर में नीचे लिख दो, जैसे यहां पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो एज इट इज नीचे 2 लिख दो ठीक है। अब ऊपर वही काम करो जो पहले करते हुए आ रहे थे, क्या x से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 लिख दो, तो उसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा 3/2। कॉन्सेप्ट जो है वो 1.6 में जाके देख लेना, मेरा काम है ट्रिक बताना आपको। तो ट्रिक बता रहा हूं, जो x के साथ लिखा है उसको बाहर लिख दो और जो ऊपर x के साथ लिखा है उसको यहां पे लिख दो। अब जितने तरीके से भी आ जाए आप में से तरीके से कर लेना। और शायद इसका एक और तक में ये देखो एक और फिर बाहर ये है 21 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2/3x/2x। वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करो इसको, मैं तो सॉल्व करवा दू। क्या करना है, नीचे जो x के साथ लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो और ऊपर जो x के साथ लिखा हुआ है उसको भी एज इट इज लिख दो। तो 2/3 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो सिंपल आंसर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ऊपर बचेगा 1/3। ठीक है तो अब यार ये बहुत दफा मैंने करवाई है एक ही बात, तो इसको जरा ध्यान में रख लेना ताकि इसमें मिस्टेक। ये देखो एक और सवाल फिर भैया हमने 26 में भी इसी टाइप का सवाल है, ये बहुत ही फेवरेट एमसीक्यू है बोर्ड वालों का। साइन थीटा अपॉन ये वैसे मैंने बाय द वे अपनी तरफ से डाला है, ये चीज आई नहीं है। अब इसमें क्या करना है, वही करो जो पहले करते हुए आ रहे थे, ये 7 जो है इसको नीचे लिख दो। अब यहां पे थीटा के साथ कोई चीज आ रही है ऊपर, 1 आ रहा है ये समझ लो आप, 1 लिख दो, इसका आंसर क्या होगा 1/3। इन शॉर्ट इस तरह भी कर सकते हो, ये 7 जो है इसको आप लिमिट से बाहर निकालो, ये पूरी चीज आपको पता फॉर्मूला होता है पूरी चीज का आंसर 1 होता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करो 1/7 से तो आंसर 1/7 आ जाएगा। और ये भी मैंने जानबूझ के डाला है, ये एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है लेकिन ये गलती करते हैं बच्चे यहां पे, वही मैंने आपको बतानी है कि ये फॉर्मूला आप उस वक्त लगाते हो इस पूरी चीज का आंसर 1 उस वक्त होता है जब आपकी लिमिट 0 के पास अप्रोच कर रही है, अगर आपकी लिमिट पाई बाय 2 पे कर रही है कि और नंबर पे कर रही है तो आंसर 1 नहीं होता, आप लिमिट पुट कर लो। तो जब आप पुट करो यहां पे थीटा की जगह पाई अपॉन 2 पुट करो, इसी तरह नीचे भी पाई अपॉन 2 पुट करो, साइन पाई बाय 2 90 डिग्रीज होता है तो साइन 91 होता है, नीचे आ जाएगा पाई बाय 2 तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2/5। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे ठीक है। तो मेरे ख्याल में साइन वाले कितने 5-6 एमसीक्यूज से सारे कवर कर लिए हमने, क्योंकि एक चीज एक दफा डिस्कस हो जाए तो बंदा वहीं खत्म कर दो। 4 में आपके पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स। अच्छा जी, यह लिमिट में टेक्निक भी होती है, ये मैं बस डिस्कस कर रहा हूं, मैं शायद आगे अप्लाई भी करूं उस पर।
एल हॉपिटल रूल कहते हैं उसको, बहुत ही मशहूर रूल है, मैंने चैनल पे भी बताया है, बताया भाई होगा भाई याद कर रहे, तो आप जाके देखना टॉपिकल वीडियोस में शायद वो हो या शॉर्टकट वीडियोस में कुछ होगा, शॉर्टकट की प्लेलिस्ट है शायद उसमें होगा वो। एल हॉपिटल उस वक्त लगता है जब आप लिमिट पुट करो ना, तो आपके पास 0/0 आ रहा हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा हो। तो जब यहाँ पे आप जीरो पुट करोगे, ऊपर होगा साइन जीरो, नीचे होगा टेंजेंट जीरो, साइन जीरो भी जीरो होता है, टेंजेंट जीरो भी जीरो होता है, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। तो आप यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगा सकते हो। इसकी और भी टेक्निक है कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड कर दो तो ऊपर भी वन आ जाएगा, नीचे भी वन आ जाएगा, वो भी आप काम कर सकते हो। ये बुक का क्वेश्चन है, ये 1.6 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5-6 इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है ये, नहीं 1.7 में शायद मिलेगा आपको, 1.7 में शायद 11-13 कुछ इस टाइप का होगा, या 1.6 का देख लेना यार, इतना मुझे याद नहीं रहा। तो आप इसमें नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं एल हॉपिटल इसलिए बता रहा हूँ शायद आगे भी काम आ जाए वो, या वैसे भी आपको बात पता होनी चाहिए। तो एल हॉपिटल ये कहता है 0/0 आ जाए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, तो आप डिफरेंशिएट कर दो, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर लो, फिर लिमिट पुट कर लो। जैसे साइन है ना, साइन को डिफरेंशिएट करो कॉस एक्स आएगा, टेंजेंट को डिफरेंशिएट करो, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, अब आप लिमिट पुट कर लो। तो जब आप इधर लिमिट पुट करोगे ये हो जाएगा कॉस जीरो, इसी तरह सेक जीरो, जब जीरो आप लिमिट पुट करोगे ना, तो कॉस जीरो वन होता है, सेक जीरो भी वन ही होता है, वन अपॉन वन मतलब वन ही आएगा। तो ये ट्रिक आपको यूनिवर्सिटी में भी काफी काम आएगी, एल हॉपिटल कहते हैं इसको, मजीद आप सर्च कर सकते हो। बस न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट, ये वो क्वोशेंट रूल ही लगाना डेरिवेटिव का, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, जब हो जाए उसके बाद लिमिट पुट करो। अगर दोबारा 0/0 आ रहा हो तो फिर डेरिवेटिव कर लो, लेकिन आप लोगों के लेवल में एक दफा में ही आंसर आ जाता है। बहरहाल इस तरह भी कर सकते हो, या आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड करो तो आपके पास ऊपर आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, नीचे आ जाएगा टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स। आपको पता है लिमिट जब एक्स अप्रोच कर रही हो जीरो के पास, तो साइन एक्स अपॉन एक्स भी वन होता है, टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स भी वन होता है, तो वो वाला आप टेक्निक लगाओ तब भी आपका आंसर बना होगा। फाइव में आपको बोला है, क्या बोला है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री। अब एक तरीका क्या होता है, फैक्टराइज करो, ऊपर अगर आप फैक्टराइज करो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मा लगा दिया आपने, नीचे तो एक्स माइनस थ्री अपने जगह पे मौजूद है, इस पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मा लगा दो, तो एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कैंसिल, पीछे बचेगा एक्स प्लस थ्री, आप लिमिट पुट कर दो, ये थ्री जब आप एक्स की जगह पे पुट करोगे, थ्री प्लस थ्री क्या होता है सिक्स के बराबर, तो सिक्स इसका आंसर हो जाएगा। चेंज इसलिए किया आपने क्योंकि अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे ना तो 0/0 आ रहा है, तो 0/0 तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, आप इस पे एल हॉपिटल भी लगा सकते हो। वैसे आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना 2x आएगा, डिनोमिनेटर को करना 1 ही आएगा। अब जब आप x की जगह 3 पुट करो अभी भी आंसर 6 ही आ रहा है। कहने का मतलब ये कि एल हॉपिटल काफी काम की चीज है, लेकिन आपके एमसीक्यूज इतने ईजी होते हैं कि एल हॉपिटल आप कहोगे यार क्या नई चीज है, क्योंकि वो एमसीक्यूज इतने ईजी है कि बाकी तरीके काफी आसान होते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ये पूरा फॉर्मूला है ई का, लिमिट जब अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी के पास और ये फॉर्म हो कि 1+1/n की पावर n, और n कहां पे अप्रोच कर रहा हो, n की जगह x लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो यहां पे भी x लिखा हो, यहां पे भी x लिखा हो, यहां पे भी y हो, यहां पे भी y हो, कोई भी वेरिएबल यूज किया हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म आपने देखनी है, फॉर्म क्या है 1+1/n और वो चीज ऊपर लिखी हुई है, और लिमिट n अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी के पास, तो ये पूरी चीज किसके बराबर होती है, e के बराबर। अब मैं इसकी वेरिएशन भी आपको बता देता हूँ, ये एक डिफरेंट तरीके से भी पूछा जाता है, मतलब इसमें हल्की फुल्की वेरिएशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसी एमसीक्यूज में एक आपको सवाल मिलेगा, वो सवाल है किधर है, वो 20 एमसीक्यूज है, 20 एग्जैक्ट यही है, बस हल्का सा फर्क है उसके अंदर, एग्जैक्ट ये सवाल है, बस यहां पर माइनस एन लिखा हुआ है। तो ट्रिक मुझे ये बतानी है कि ये जो पूरी चीज है ना, सिंपल सा केस जो है जब लिमिट इनफिनिटी के पास अप्रोच करी, ये जो पूरा फंक्शन है, इस पूरी चीज का आंसर ई होता है। अगर कुछ चेंजिंग हुई है, चेंजिंग का मतलब यहां पे माइनस लिखा हुआ है या टू लिखा हुआ है या थ्री लिखा हुआ है, इसी तरह एम के ऊपर यहां पे कुछ थ्री लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो आपने करना क्या होता है, सिंपल टेक्निक ये होती है कि आप लिखो ई, सही है, यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है और यहां पर एन के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे लिखा हुआ है वन, यहां पे लिखा हुआ है माइनस वन, मतलब खाली माइनस को कंसीडर ना करो, मतलब माइनस वन कह दो उसको, तो यहां पे वन, यहां पे माइनस वन, वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो माइनस आएगा, तो उसको पावर बना दो,
तो इस पूरी चीज का आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस में। ये कॉन्सेप्ट 1.7 का है। मैं एक और सवाल इसका करवाता हूँ, मजीद आपको बात क्लियर हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है कि लिमिट एन अप्रोच कर रही है इंफिनिटी के पास 1+3/n की पावर 2n। आपको पता है पूरी फॉर्म ई के बराबर होती है। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है, जो यहां पे नंबर लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करो जो यहां पे लिखा हुआ है। ये वैसे सवाल है, बोर्ड एग्जाम में भी नहीं देते हो, तभी मैंने थोड़ा सा हटके दिया है, इतनी चेंजिंग नहीं करते। हाँ इतनी सी चेंजिंग कर लेते हो, लेकिन अगर चेंजिंग कर ले तो बहुत बच्चों वाला है। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से 6 आएगा, ये हो जाएगा ई की पावर 6। ठीक है, तो इसमें माइनस लिखा हुआ था, माइनस को 1 से किया -1, इसमें 2 लिखा हुआ है 2 को 3 से किया, दैट्स इट। तो ये टेक्निक होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये आ जाता 3 की जगह 1 लिखा हुआ था, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते 2 आता, आप ई स्क्वायर लिख देते। तो ये फॉर्मूला है, इसमें डिफरेंट तरीके से बात पूछ सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखना। इसी तरह एक और फॉर्मूला है 24 एमसीक्यूज में लिखा हुआ है इसी टाइप का, तो मैं साथ ही बता रहा हूं। इसका मैंने एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम में देखा नहीं है, तभी एहतियातन मैंने डाल दिए कि मे भी इस फॉर्मूले में पूछने। इसका असल फॉर्मूला ये होता है कि लिमिट 1, ये भी 1.7 में 1+h और पावर में होता है 1/h। इस पूरी चीज का आंसर ई है। ठीक है, इस पूरी चीज का आंसर क्या है, ई है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर 2 आ रहा है तो आपने क्या करना है, यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है और यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, तो अगर यहां पर 2h आ जाए तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 3 आ जाए तो ये e का क्यूब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 3 यहां पर 2, तो 3 को 2 से करो 6, ये हो जाएगा e की पावर 6। तो बेसिक फॉर्मूला बस ये था कि यहां पर कुछ ना लिखा हो, ये पूरी चीज e के बराबर है। ठीक, अगर यहां पर कोई नंबर लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करो यहां वाले नंबर से और उसको पावर बना दो। तो मॉडिफिकेशन हल्की सी ही होगी, मेरे ख्याल में काफी डिटेल में बता दी है, ज्यादा डिटेल समझ गए तो मेरे चैनल पे जाके समझ लो। अच्छा जी, तो दोबारा हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 7 करवा दिए, वो तो उस वाला केस था। 8 जो है बच्चों पूरा फॉर्मूला है, ये 1.6 में आप यूज करते हो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एन, ए की पावर एन, नीचे एक्स और ए की पावर 1/1, और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये पूरी चीज किसके बराबर होती है, ए एन की, सॉरी आई होती है ना, नहीं बी, बी ऑप्शन ठीक है, एन ए की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला है। पेपर में मे बी ए की जगह वो 2 लिख दें, फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर एन माइनस 2 की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो यहां पे ए का रोल 2 अदा कर रहा है, तो आप फॉर्मूले में 2 पुट कर देना ए की जगह पे, और लिखा हो कि एक्स अप्रोच कर रहा है 2 के पास। मतलब अगर ए की जगह कोई और नंबर लिख दें तो आंसर में वो नंबर आ जाएगा। लकीर के फकीर नहीं मना ना कि अगर ए की जगह वो 2 लिख दें तो आप कंफ्यूज, आप क्या करना है। तो सिंपल ए की जगह पे 2 लिख देना, जो आंसर आ रहा है उसमें ए की जगह पे 2 लिख के आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक है। दरमियान में सारे इवन ऑड फंक्शन के, तो उनको इग्नोर करो, कर लिया हमने, 16 भी कर लिया, 17 भी हो गया। 18 में लिखा हुआ है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। देखो याद रखो, जब भी वो बोलते हैं ना किसी सीक्वेंस की लिमिट निकालो, तो इसका मतलब लिमिट इंफिनिटी पे अप्रोच कर रही है। जब भी आपसे बोला जाए कि सीक्वेंस की लिमिट निकालो, सीक्वेंस की, फंक्शन की बात नहीं कर रहा, सीक्वेंस की लिमिट का मतलब आपने इंफिनिटी पे अप्रोच करवाना है उसको। तो आपके पास क्या है, सीक्वेंस की जनरल फॉर्म 1/n। अगर आपने इसकी लिमिट निकालनी है, मतलब आप n की जगह क्या पुट करोगे, इंफिनिटी, लिमिट हमेशा इंफिनिटी होगी। तो आपको पता है 1/∞ की लिमिट क्या होती है, 0। 1/∞ की लिमिट होती है 0, और 1/0 की लिमिट होती है इंफिनिटी, इसको याद कर लो। तो यहां पे तो खैर 0 ऑप्शन आएगा, 0 आंसर आएगा इसका। 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 भी हो गया, 23, 24 सब हो गया। 25 में एक लिमिट की प्रॉपर्टी है, क्या लिखा हुआ है, अगर आप किसी भी फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हो और उस फंक्शन की पावर लिखी हुई है n, तो लिमिट क्या कहती है, लिमिट ये कहती है कि वो जो पावर n है ना, लिमिट को भी धक्का देके उस पावर के अंदर इंक्लूड कर लो। मतलब जो ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है ना, वो यहां पे ठीक है कि पहले पावर से फंक्शन के ऊपर थी, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लिमिट को भी धक्का देके पावर के अंदर लिख दो। तो ऑप्शन नंबर सी में देखो, अब लिमिट फंक्शन की अंदर लिखी हुई है और होल पावर उसकी लिखी हुई है, तो ये प्रॉपर्टी होती है लिमिट की, ये भी मैंने डिस्कस की हुई। 26 भी डिस्कस हो गया, 27 भी डिस्कस हो गया। चैप्टर में बच्चों डिटेल में खत्म हो गया है, मजीद डिटेल आपको हासिल करनी है तो आप चैप्टर पढ़ो, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, और इससे आपके इंशाल्लाह सारे एमसीक्यूज बन जाएंगे, मजीद आपको एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में यार बच्चों फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, तो इस चीज को मेक श्योर कर लेना कि फॉर्मूले सब आपको आते हैं, उसके बाद इन एमसीक्यूज को देखना, वरना आप फंस जाओगे। अगेन बोर्ड का मतलब ये पेपर, ये एमसीक्यू एग्जाम में आ चुके हैं, जो बोर्ड के अलावा है वो मैंने खुद डाले हैं ताकि हल्की बुल्की प्रैक्टिस हो जाए आपकी।
कम टाइम है तो बोर्ड वाले कर लो, पास पेपर की मेजोरिटी आ रहे होते हैं। नंबर वन में लिखा हुआ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, आपको दो पॉइंट्स गिवन है, आपने इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है। ये एग्जैक्ट आपके बुक का क्वेश्चन है, ये आपको मैं ख्याल में 2.1 के एंड में आखिर में सेकंड लास्ट से लास्ट में मिल जाएगा आपको ये। तो आपने इसमें डिस्टेंस फॉर्म में लगाना है, पॉइंट क्या है म्यू कॉस थीटा, म्यू साइन थीटा और 0, 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स टू जीरो है, इसी तरह वाई वन माइनस वाई टू जीरो है होल स्क्वायर। तो म्यू कॉस थीटा का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस अगेन म्यू साइन थीटा का स्क्वायर करो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। आप म्यू स्क्वायर कॉमन लेना, पहली टर्म से आएगा कॉस स्क्वायर, दूसरी टर्म से आएगा साइन स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों को पता होगा कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन होता है, तो अंदर बचेगा म्यू स्क्वायर, म्यू स्क्वायर का जब आप रूट लोगे तो म्यू आ जाएगा। वैसे ये नॉर्मली एमसीक्यू इतने बड़े देते नहीं है, लेकिन दे दिए उन्होंने ऑप्शन नंबर बी, वो छोटे छोटे देते हैं बोर्ड एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी बाय द वे ठीक है। यहाँ पे टू में आपको बोला गया एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम वाई एक्सिस। अब देखो मैं जनरलाइज बात करता हूं ताकि एमसीक्यू डिफरेंट तरीके से आए तो कवर हो जाए सबके अंदर। अगर आपको पॉइंट दिया जाए और आपको बोला जाए, सवाल में बोला गया कि वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, तो जब भी आपको बोले कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस निकालो, वाई एक्सिस, तो इसका आंसर होगा एक्स वैल्यू। एक्स वैल्यू क्या है 4, तो इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या है एक्स वैल्यू जो कि 4 है। और अगर आपको बोले कि इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, तो आंसर क्या होगा वाई वैल्यू। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस में आंसर क्या होगा वाई वैल्यू, उल्टा होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स वैल्यू आपको बताती है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई वैल्यू आपको बताती है। तो खैर इस सवाल का तो आंसर 4 है। अच्छा एक और चीज बता दो, अगर नेगेटिव है तो बच्चे गलती कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे -4 आ रहा हो और आपको बोला जाए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो बच्चे बोलेंगे -4, जबकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है। तो आंसर इसका अभी भी 4 रहेगा, नेगेटिव शो कर रहा है कि भाई वो लेफ्ट की तरफ है वाई एक्सिस के, तो डिस्टेंस में आपने पॉजिटिव लिखना है, वो नेगेटिव नहीं करना। तो एमसीक्यू दो तरीके से आता है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो मैंने दोनों आपको बता दिया। 3 में आपको बोला हुआ मेजर ऑफ द एंगल, आपको एंगल मालूम करना है। एंगल निकालने का बच्चों ये फॉर्मूला था 2.4 का कॉन्सेप्ट है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो m1 m2 गोली मारो, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, सिंपल सी बात है। फ्रॉम अ लाइन, जो फ्रॉम की वर्डिंग है मतलब उसको आपने बाद में रखना है, टू अ लाइन जिस पे खत्म हो रहा है उसको आपने पहले रखना है। तो ऐसी लाइन से स्टार्ट हो रहा है जिसका स्लोप 3 है तो उसको बाद में रखोगे, टू अ लाइन जिसका स्लोप 5 है उसको पहले रखोगे। तो जो बाद वाली लाइन होती है 2 जिसके साथ लिखा होता है कि स्लोप टू अ लाइन, उसका स्लोप पहले लिखते हो, और जो शुरू वाली लाइन होती है फ्रॉम अ लाइन की वर्डिंग होती है उसका स्लोप आप पहले रखते हो, सॉरी बाद में रखते हो। दोबारा बता देता हूं, फ्रॉम अ लाइन का मतलब उस स्लोप को आपने बाद में रखना है, और टू अ लाइन जिस लाइन पे एंगल खत्म होता है उसको आपने पहले रखना होता है, ठीक है। मतलब बाद वाले को पहले रखना है, पहले वाले को बाद में रखना है, सिंपल। और नीचे तो मसला नहीं है, नीचे 1 प्लस m1 m2 आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा क्या होता है 15 होता है, तो सॉल्व करो ये हो जाएगा 2 अपॉन 16 मतलब 1 अपॉन 8। तो आपने थीटा निकालना है, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 8, ऑप्शन नंबर सी। 4 में लिखा हुआ है एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट, जो भी लीनियर इक्वेशन है जब आप उसको ड्रॉ करते हो तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, ऑप्शन नंबर ए। 5 में लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, ये डेफिनेशन होती है सेंट्रोइड की। टाइम बचाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये एमसीक्यूज आए ना आए पहली मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली चीज पूछी जाती है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या आता है, ये सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। दूसरी चीज होती है इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, याद कर लेना इसको। तीसरी चीज पूछी जाती है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये तीन चीजें हैं, तीन सेंटर हैं ट्राइंगल के जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। इससे अगले एमसीक्यूज में इन सेंटर के बारे में पूछा हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, वही जो भी आप लोगों ने बताया था, तो वह इन सेंटर कहलाता है। अच्छा 7 में लिखा हुआ है अलाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, भाई याद रख लो क्योंकि बात अभी बार बार आएगी तो मैं एक ही दफा बता रहा हूं। अगर कोई सबसे पहली बात एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या है, एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन होता है 0 डिग्री और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है 0।
वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन होता है 90 डिग्री, और स्लोप क्या होता है इंफिनिटी बोल दो अनडिफाइंड बोल दो, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन दोनों में से कोई एक जो भी लिखा हो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो इसी तरह एक्स एक्सिस की अगर कोई पैरेलल लाइन होगी उसकी भी यही खासियत है, क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइन का स्लोप सेम रहता है, तो अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका इंक्लिनेशन भी जीरो और स्लोप भी जीरो होगा। इसी तरह अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका इंक्लिनेशन भी 90 और उसका स्लोप भी इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। ये मैंने बात क्लियर कर दी, बार बार ये पूछते हैं। तो अभी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसका स्लोप होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिखा। इसी तरीके से ये भी काफी मशहूर एमसीक्यूज है कि दो किस्म की लाइन होती है, एक होती है बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाली लाइन होती है। अब इसके बारे में आपको दो तीन बातें बतानी चाहिए। सबसे पहली बात, इसकी इंक्लिनेशन क्या है 45 डिग्री। दूसरी बात, स्लोप क्या है इसका 1। बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट जो लाइन है ना, इसका स्लोप 1 होता है। और इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन होती है y = x। ये तीन बातें आपको बतानी चाहिए। इसी तरह वो लाइन जो बाइसेक्टर ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो, उसके बारे में तीन बातें क्या है। पहली बात, इंक्लिनेशन 135 डिग्री। दूसरी बात, स्लोप -1। तीसरी बात, इक्वेशन y = -x। ये तीन बातें डिफरेंट तरीके से पूछी जा सकती हैं, एक ही दफा मैंने क्लियर कर दी। अभी आपसे इस लाइन का स्लोप पूछा गया है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट की, तो स्लोप 1 होता है। 9 में आपको बोला हुआ था कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रोइड निकालने का बहुत इजी तरीका होता है, आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। तीनों x वैल्यू को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 कर दो। तीनों y वैल्यू को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 कर दो। तो अगर इन तीनों पॉइंट्स में देखो, x वैल्यू है 289, 289 को ऐड करो 19 आएगा, 19 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह y वैल्यू है 829, इनको भी ऐड करो 19 आएगा, डिवाइडेड बाय 3। तो 19/3, 19/3, ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं। 10 में लिखा हुआ है इंक्लिनेशन ऑफ x एक्सिस 0 डिग्री। 11 में आपको बोला हुआ है कि x इंटरसेप्ट निकालो, तो अगेन दो कॉन्सेप्ट होते हैं। x इंटरसेप्ट क्या होता है, जो लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे क्रॉस करती है उसको आप x इंटरसेप्ट कहते हो। पॉइंट भी कह सकते हो या वैल्यू भी कह सकते हो, ये पूरी वैल्यू है जिस वैल्यू पे वो क्रॉस कर रही है, तो उसको आप कहते हो x इंटरसेप्ट। और लाइन जिस पॉइंट पे y को क्रॉस करती है उसको आप क्या बोलते हो, y इंटरसेप्ट। ठीक है, सवाल ये है कि निकालना किस तरीके से। जो भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है उसकी y वैल्यू 0 होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जो भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है उसकी x वैल्यू 0 होती है। तो अगर आपको इक्वेशन दी जाए और आपको बोला जाए कि x इंटरसेप्ट निकालो या y इंटरसेप्ट निकालो, तो x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, y की जगह पे 0 पुट कर देना और x की वैल्यू निकालना, जो x की वैल्यू होगी वो x इंटरसेप्ट होगा। और अगर आपको बोला जाए y इंटरसेप्ट निकालो, तो आप x की जगह पे 0 पुट कर देना, जो y की वैल्यू होगी वो y इंटरसेप्ट होगा। जैसे सवाल में आपको बोला हुआ है x इंटरसेप्ट निकालो, तो y की जगह आप 0 पुट कर देना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x²-3x+2=0। इसको आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, मिडिल टर्म ब्रेक करके भी निकाल लेना, कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। और अगर इसी को बोलते हैं कि y इंटरसेप्ट निकालो, तो आप x की जगह पे 0 पुट कर देते, तो पहली टर्म भी खत्म हो जाती, दूसरी टर्म भी खत्म हो जाती, y की वैल्यू 2 आ जाती, तो इसका y इंटरसेप्ट होता 2, y = 2। और x इंटरसेप्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेना, कोई आंसर मैच कर जाएगा। 12 में लिखा हुआ है इफ a इज 2/3 द वे फ्रॉम p टू q, देन a डिवाइड्स p q इन द रेशियो। देखो, रेशियो की टर्मिनोलॉजी में स्पेसिफिकली मैं m1 m2 की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, क्योंकि रेशियो के समझने के बहुत से तरीके होते हैं। m1 m2 के सेंस में अगर बोला जाए ना, और आपको बोला जाए 2/3, तो 2/3 को रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका होता है कि पहली चीज जो है एज इट इज लिख दो, रेशियो 3/3 3-2 क्या होता है 1, तो रेशियो की फॉर्म में क्या बोला जाएगा 2:1। इसी तरह अगर आपको बोला जाए 3/5, तो क्या करो 3/5, तो होगा ये कि जो पहला नंबर लिखा हुआ है एज इट इज कॉपी करो, 5-3 2, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। तो ये आपके जहन में होना चाहिए। 13 में आपको आहिस्ता बोलना पड़ेगा, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। 13 नहीं, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है। 13 में आपको बोला हुआ है कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज -3 है, तो स्लोप आपको मिल गया -3। और y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट को आप b से शो करते हो, 2 है, तो आपसे इक्वेशन पूछी गई है। तो सिंपल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला को आप यूज करो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + b। तो स्लोप है बच्चों -3 और b जो है y इंटरसेप्ट वो है 2। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे ना, तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 3x + y - 2।
3x plus option number C. 14 में लिखा हुआ है if a line is perpendicular to x-axis. अब ये भी एक concept होता है, ये 2.5 का concept है कि याद रखना सबसे पहली बात x-axis की equation क्या होती है, x-axis की equation होती है y equal to 0, y-axis की equation क्या होती है x equal to 0. ये तो x और y-axis की आपने equation देख ली. अगर कोई line parallel to x-axis है, for example ये वाली line है, ये parallel to x-axis है ना, तो इसकी equation होती है y equal to constant, कोई भी constant होगा. वो कांस्टेंट क्या होगा, ये वाला कांस्टेंट होगा, ये पूरा डिस्टेंस जो है ना वो आप वहां पे लिख दोगे. ठीक है, अगर लाइन ऊपर है तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव होगा. बट इक्वेशन में वाई आता है और कोई कांस्टेंट कोई नंबर होता है, ये उस लाइन की इक्वेशन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो. अच्छा, इसको दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है जबकि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है. तो इस सवाल को दो तरीके से पूछ सकते हैं, ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उसकी इक्वेशन भी ये होगी, ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हो उसकी इक्वेशन भी यही होगी. इसी तरह ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है ये वाली, इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, अब अगेन दो तरीके से बात पूछी जा सकती है, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट उस लाइन की इक्वेशन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, दोनों केसेस में इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट. ये बातें मैंने डिटेल में बता दी हैं. अब चार एमसीक्यूज मैंने कवर किए इसमें से, बल्कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई एक्सिस में मिला लो 6 एमसीक्यूज कवर हो गए हैं. ये 187 एमसीक्यूज टोटल, लेकिन बहुत चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं साथ साथ. 15 में लिखा हुआ स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस स्लोप क्या, इंफिनिटी आइडेंटिफाई, ऑप्शन नंबर डी. 16 में लिखा, अब ये सारे बोर्ड के खत्म हो गए, अब जो एमसीक्यूज है ना वो बोर्ड नहीं हुए ना, तो ये मैंने अपनी तरफ से डाले हैं. अगर आपके पास टाइम कम हो तो छोड़ भी सकते हो, पास पेपर की प्रैक्टिस कर लो सिर्फ. 16 में लिखा हुआ टू लाइन आर पैरेलल, भाई दो लाइन पैरेलल उस वक्त होती है जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं. एक और भी कंडीशन होती है उसको छोड़ दो, बुक में इतनी मेंशन नहीं है. तो जब दो लाइन पैरेलल होती है उनके स्लोप इक्वल होते हैं, तो दे हैव सेम स्लोप. 17 में बोला हुआ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, जो भी लाइन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात नहीं है, कोई भी कर्व हो, सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, लसन, जो भी है स्ट्रेट लाइन भी शामिल कर लो, जब भी वो रीजन से पास करती है कांस्टेंट टर्म आपको नजर नहीं आएगी, वेरिएबल्स होंगे, एक्स स्क्वायर होगा कि वाई स्क्वायर होगा, कि एक्स की टर्म होगी कि वाई की टर्म होगी. स्ट्रेट लाइन के केस में एक्स की टर्म होगी, वाई की टर्म होगी, लेकिन कांस्टेंट नहीं होगा. कोई भी कर्व जब ओरिजिन से पास करता है तो देयर इज नो कांस्टेंट. तो अगर आप इन सब इक्वेशन में देखो तो आपको वाइज इक्वेशन नंबर ए मिलेगी. ठीक है, अच्छा जी. 18 में बोला हुआ है इफ बी इज जीरो इन द इक्वेशन, इक्वेशन जनरल फॉर्म गिवन है, इसको आप जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हो, ये भी एमसीक्यू बन सकता है. स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म क्या है, ये होती है. बोला जा रहा है कि अगर इसमें बी को मैं जीरो कर दूं, मतलब बी जीरो हो गया तो आपके पास क्या बचेगा, ए एक्स प्लस सी. याद रखो बच्चों, अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में सिर्फ एक्स है, वाई नहीं है, तो वो हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, क्योंकि ये वही वाली कंडीशन है ना, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट ही है ना. मतलब आप सी को उधर ले जाओ, माइनस सी हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए, और माइनस सी अपॉन ए कोई कांस्टेंट कोई नंबर होगा ना. तो जब भी आपकी स्ट्रेट लाइन में जस्ट एक्स बच गया, इसका मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस है या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. इसी तरह अगर आपकी इक्वेशन में एक्स खत्म हो गया है, अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो एक्स नहीं है, वाई है, तो इसका मतलब वो उस लाइन की इक्वेशन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस. दोनों तरीके से आप बात कर सकते हैं. अगेन चार एमसीक्यू डिस्कस किए मैंने आपसे. 19 में बोला हुआ है कि सेंट्रोइड जो है वो हर मीडियन को वर्टेक्स से किस रेशियो में डिवाइड करता है. मैं समझा नहीं रहा यार, ये मैंने डिटेल में थ्योरी में बताई हुई है. 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, क्योंकि समझाने के बाद भी रट्टा ही मानना है आपको. 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ऑप्शन नंबर डी. 20 में बोला हुआ है स्लोप ऑफ अ लाइन इज पॉजिटिव. देखो किसी भी लाइन का स्लोप पॉजिटिव उस वक्त होता है जब इंक्लिनेशन 0 और 90 डिग्री के दरमियान हो. ठीक है, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला स्लोप का क्या है, m इक्वल टू टेंजेंट अल्फा. तो टेंजेंट उसी वक्त पॉजिटिव होता है जब 0 से 90 डिग्री के दरमियान को एंगल आप पुट करो. तो टेंजेंट पॉजिटिव, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव. तो स्लोप पॉजिटिव उस वक्त होगा जब इंक्लिनेशन 0 और 90 के दरमियान है. और एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, स्लोप नेगेटिव कब होगा, जब इंक्लिनेशन 90 और 180 के दरमियान है. ठीक है, स्लोप 0 कब होगा, जब इंक्लिनेशन 0 है, और स्लोप इनफाइनाइट कब होगा, जब इंक्लिनेशन 90 डिग्री है. दो केसेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे. 21 में बोला हुआ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू वन वर्टेक्स एंड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड. ये मीडियन की डेफिनेशन है. मीडियन वो लाइन होती है जो एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है. तो मीडियन की डेफिनेशन है.
22 में आपसे पूछा गया कि किसकी इक्वेशन है, तो आपको पता है y equal to x, ये उस लाइन की इक्वेशन है जो बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है, ऑप्शन नंबर ए। 23 में आपको बोला गया कि एक इक्वेशन बताओ x equal to a, अभी तो आप इसको बोलोगे पैरेलल टू y एक्सिस, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि a जीरो है इसके अंदर, तो अगर a जीरो हो गया तो इक्वेशन आपकी क्या बचेगी, x equal to zero, और x equal to zero किसकी इक्वेशन होती है, y एक्सिस की होती है। अगर a जीरो ना होता, जस्ट लिखा होता x equal to a, तो फिर आप इसको पैरेलल टू y एक्सिस कंसिडर करते, लेकिन स्पेसिफिक उन्होंने वैल्यू बता दी a जीरो है। अगर a कोई और होता ना x equal to 2, x equal to 4, तो पैरेलल का केस बनता, लेकिन जब जीरो कर दिया जाए इसका मतलब वो y एक्सिस के ऊपर आ गई है, तो y एक्सिस बन गई। 24 में बोला मैं कि पॉइंट्स कहां पे लाई कर रहे हैं, याद रखो जब आप इन सब पॉइंट्स में देखो एक कॉमन चीज आपको नजर आ रही है, इनकी y वैल्यू जीरो है सब पॉइंट्स की, तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है। थोड़ी देर पहले मैंने बात बताई थी जो भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है उसकी y वैल्यू जीरो होती है, तो सारे पॉइंट ही सारे पॉइंट की y वैल्यू जीरो है, इसका मतलब सारे पॉइंट कहां पे है, x एक्सिस के ऊपर है। और 25 में बोला वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन विल पास थ्रू द पॉइंट, याद रखो जब भी कोई कर्व किसी पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट को आप इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो इक्वेशन गिवन है kx minus 3y equal to 6k, ये पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो पॉइंट को पुट कर दो, x की जगह पे पुट कर दो 2, y की जगह पुट कर दो 4, ये हो गया 6k, तो ये हो जाएगा 2k minus 12 6k, 2k को उधर ले जाना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, minus 12 बराबर होगा 4k के, और k की वैल्यू आ जाएगी minus 3, ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 के सारे एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, अगेन जो बोर्ड एमसीक्यूज हुए हैं इसका मतलब ये बोर्ड में आ चुके हैं, टाइम कम है तो सबसे पहले फोकस करना आपने बोर्ड वाले जो एमसीक्यूज है वो पास पेपर में आ चुके हैं, उसके बाद टाइम बचे तो आप जो बाकी एंड पे थोड़े एमसीक्यूज लिखे होंगे ना जो बोर्ड नहीं है उनकी भी तैयारी कर लेना, कोई गलती हो तो मुझे लाजमी बता देना आंसर की में एमसीक्यूज में जो भी गलती है तो मेंशन कर देना। एमसीक्यू नंबर 1 में लिखा हुआ एक लाइन गिवन है और आपको बोला हुआ है कि बताओ ये किस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो चैप्टर नंबर 3 में ना कोई बहुत इनके फेवरेट एमसीक्यूज है उन्हीं में से ये है, इसमें हम दो बातें सीखेंगे, सबसे पहली बात के सबसे पहली बात सीखते हैं जब भी कोई दो लाइन पैरेलल है उनके स्लोप इक्वल होते हैं, ये टॉपिक तो 2.4 का है कि जब भी दो लाइन पैरेलल है उनके स्लोप इक्वल होते हैं, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ये दो बातें तो आपको बतानी चाहिए। उसके बाद एक और बात क्या है कि अगर आपके इक्वेशन गिवन है और आपने स्लोप निकालना है तो इक्वेशन से स्लोप किस तरह निकालते हो, अगर आपने जिस लाइन की ये इक्वेशन है उसका स्लोप निकालना है तो किस तरह निकालोगे, सबसे पहले माइनस लिख दो, जो भी एक्स के साथ लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर में लिखो, जो भी वाई के साथ लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में लिखो, अगर यहां पर नेगेटिव होता तो नेगेटिव के साथ आप लिखते, ठीक है। बहरहाल यहां पर स्लोप क्या आ गया, -2/3। अब जो भी लाइन है जिसका स्लोप अच्छा बोला मैं क्या है कि आप उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इसके परपेंडिकुलर है, अगर आपको किसी लाइन का स्लोप पता हो और आपको मालूम करना हो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप तो किस तरह मालूम करते हो, कोई भी लाइन अगर इसके पैरेलल होगी तो उसका स्लोप इक्वल ही होगा, मतलब -2/3 होगा, और जो भी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप आप कैसे निकालते हो, उसका स्लोप निकालने का तरीका ये होता है कि आप इसको रेसिप्रोकल करो, ये 3/2 हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर दो, तो ये है हमारी गिवन लाइन का स्लोप और ये उस लाइन का स्लोप होगा जो इसके परपेंडिकुलर है। तो अब आप ऑप्शंस में जाओ और देखो किस लाइन का स्लोप 3/2 आ रहा है, जिस लाइन का स्लोप 3/2 आ रहा है वो इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ऑप्शन ए में तो आपको दिखने में लग रहा है, देखो स्लोप में एक्स लिखते हो डिवाइडेड बाय वाई का कोएफिशिएंट होता है, तो अगर आप ए में देखो उसमें जब स्लोप निकालोगे तो ऊपर 2 आ रहा है, हटा दो उसको। ऑप्शन नंबर बी में देखो उसमें भी ऊपर 2 आ रहा है, हटा दो उसको। ऑप्शन नंबर सी में देखो उसमें तो दोनों में 1/1 है, छोड़ दो। ऑप्शन नंबर डी वाहिद ऑप्शन है कि जिसमें अगर आप स्लोप निकालोगे तो 3/2 आ रहा होगा, मतलब x के साथ लिखा हुआ है 3, y के साथ नीचे -2 लिखा हुआ है, तो अगर आप ये वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस है और ये माइनस जो है ये y का कोएफिशिएंट है, तो माइनस से माइनस कैंसिल करो स्लोप इसका 3/2 आ जाएगा, इसका मतलब जो हमारे ऑप्शन में लाइन लिखी हुई है ऑप्शन नंबर डी में वो परपेंडिकुलर है हमारे गिवन लाइन के। एक तरीका इसका ये होता है, एक और भी तरीका होता है, वो तरीका मैंने बाद में इसलिए बता रहा हूं कि वो हर जगह वैलिड नहीं है, वो तरीका ये होता है कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है ना कोई भी लाइन इसके परपेंडिकुलर उस वक्त होगी, मतलब ये एक तरीका है, कभी होता है वो लाइन मल्टीप्लाई हुई हो, लेकिन बिल्कुल बेसिक केस में डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपने इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना तो सिंपल एक काम करो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, ये 3x वाई का कोएफिशिएंट था इसको एक्स का बना दो, 2x का था इसको y का बना दो,
अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, और कांस्टेंट में फर्क होता है, इसका 6 है, इसका कोई भी कांस्टेंट होगा, तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इसके। अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसी किस्म की लाइन लिखी हुई है, कांस्टेंट उसका कुछ भी है लेकिन आपको तो लाइन से वास्ता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है अगर मैं यहां पे 6 लिखूं और यहां पे 4 लिखूं, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, तो दैट्स व्हाई कंडीशन मैंने आपको बाद में बताई है। शुरू में जो मैंने कंडीशन डिस्कस की है ना, ये हर केस में वैलिड है, लेकिन कभी ऐसी भी होती है, ये भी परपेंडिकुलर है इसके, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन अभी भी परपेंडिकुलर ही है। बस दोनों कंडीशन है, रीजन मैंने आपको बता दिए, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, देख लेना इसको। अच्छा, उसके बाद 2 में लिखा हुआ है 2 स्ट्रेट लाइन ax स्क्वायर, ये 3.3 का टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपसे 2-3 बातें पूछी जाती है, मैं पहली बता देता हूं। सबसे पहली बात आपसे पूछी जाती है कि ये 3.3 में आपने पढ़ा था दो लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन होती है, सबसे पहली बात पूछी जाती है ये कोइंसिडेंट कब होंगी, तो ये कोइंसिडेंट उस वक्त होंगी जब एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर है। फिर आपसे पूछा जाता है कि ये परपेंडिकुलर कब होंगी, ये परपेंडिकुलर उस वक्त होंगी जब ए प्लस बी 0 के बराबर है, तो कोइंसिडेंट परपेंडिकुलर, ये दोनों बातें आपने सीख ली। फिर इसमें एक नेचर ऑफ लाइन का भी टॉपिक आता है, ये भी 3.3 है, उसका क्या मतलब है, जब एच स्क्वायर ग्रेटर होगा ए बी से, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपकी लाइन क्या होंगी, रियल होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब डिफरेंट होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होगा तो आपकी लाइन क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होगा तो वो लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह भी बात पूछी जाती है, अब इस वाले केस पे रियल भी होंगी, रियल के साथ कोइंसिडेंट, इसमें रियल के साथ डिस्टिंक्ट डिफरेंट, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ लाइन का टॉपिक है, ये भी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। इसी तरह इसी में एक टॉपिक है सम ऑफ स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, तो सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला होता है 2h अपॉन यार बी है, मैं कंफर्म कर लूंगा, 2h अपॉन बी होता है आई गेस, ये सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फॉर्मूला होता है a अपॉन बी। तो ये बात पूछी जाती है इसलिए मैंने आपको बता दी, ये चीज आप लोग बुक से भी कंफर्म कर लेना, मैं खोलूंगा टाइम लगेगा, मे बी मुझे लगता है कि बी है लेकिन मे बी ए हो, कंफर्म कर लेना आप लोग। थ्री में आपसे बोला हुआ कि 2 स्ट्रेट लाइन गिवन है और आपसे पूछा है, मतलब स्ट्रेट लाइन कोई ज्वाइंट इक्वेशन नहीं है, जिन 2 लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन है ना उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो 2 लाइन परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, क्या है, तो बहुत आसान तरीका है, इक्वेशन आपके पास क्या लिखी हुई है, 2x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 2y स्क्वायर। जब आप देखो कि जो पहली चीज है और ये जो आखिरी चीज है ये सेम हो और इनके साइन डिफरेंट हो तो ये परपेंडिकुलर का केस है, क्यों, परपेंडिकुलर में a और b इनको जब ऐड करते हो 0 आता है, तो a यहां पे 2 है, b यहां पे माइनस 2 है, तो 2 माइनस 2 0 होता है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर का केस है। 4 में आपसे बोला गया एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 2 पहला वर्टेक्स है 0 0, दूसरा वर्टेक्स है 2 1, तीसरा वर्टेक्स है 0 8, और एंड पे 1 1 1 लगा दो, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। R1 से एक्सपेंड करो A की एलिमेंट है, तो जिस रॉ में डिलीट कर दो, जिस कॉलम में डिलीट कर दो, पीछे ये बचेगा, तो जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे 2 8 का क्या होता है 16 होता है, 1 0 का तो 0 हो जाएगा, ये जो 16 आ रहा होगा इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 8 आ जाएगा। काफी अजीब तरीके से मैंने सॉल्व किया, आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से कर लेना, लेकिन आंसर 8 आ रहा होगा, जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है बैटरी मेरी लो होती जा रही है। 5 में लिखा हुआ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 6 में लिखा हुआ इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, ये भी 2 कंडीशंस होती हैं, अगर 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ये 0 के बराबर होता है, ये पैरेलल की कंडीशन है, ये आई कहां से, ये यहां से आई है, और ये भी कभी पूछ लिया जाता है, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू, इसको इस तरह भी लिख सकते हो या ए वन अपॉन बी वन ए टू अपॉन बी टू इस तरह भी लिख सकते हो, ये सब पैरेलल की ही कंडीशन है, ये भी पैरेलल की कंडीशन, ये मैंने परपेंडिकुलर का साइन डाल दिया, ये भी पैरेलल की कंडीशन है, ये भी पैरेलल की कंडीशन है, ये भी पैरेलल की कंडीशन है, ये एक ही चीज है डिफरेंट तरीके से लिखी हुई, तो जो आपसे पूछा जाए आप लिख देना, और परपेंडिकुलर कंडीशन होती है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर की भी वो वाली फॉर्म होती है लेकिन वो मुश्किल होती है इसलिए वो हम लिखते नहीं है इतना, लेकिन ये वाली फॉर्म मशहूर है परपेंडिकुलर की। 7 में आपको एक लाइन दी गई है, बोला गया कि किसके पैरेलल है, तो अब देखो पैरेलल के अंदर भी 2 केस होते हैं, कोई भी लाइन अगर पैरेलल होती है उनके शुरू की 2 टर्म सेम होती हैं,
लेकिन कुछ केसेस में सेम नहीं भी होती, किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी होती है। तो बेस्ट तरीका क्या, आप स्लोप निकाल लो। ये जो 7 में जो लाइन गिवन है इसका स्लोप होगा -3/-5, मतलब 3/5 स्लोप है। तो जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी उसका स्लोप भी क्या होगा, 3/5। तो मतलब x के साथ कोई छोटा नंबर होगा, y के साथ कोई बड़ा नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को तो हटा दो, ऑप्शन नंबर बी भी हटाओ, दोनों सेम है। ऑप्शन नंबर सी भी हटाओ, 3/-3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में जब आप स्लोप निकालोगे यहां तो -6/-10 आएगा, -से -, कैंसिल, 3/5। दोनों के स्लोप इक्वल है, इसका मतलब पैरेलल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे ठीक है। 8 में लिखा हुआ है कि लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पेयर ऑफ लाइन को, नेचर आपको बतानी है। इक्वेशन क्या गिवन है, 8x² - 16xy + 8y². देखो परपेंडिकुलर की कंडीशन तो फॉरन पहचान जाते हो, यहां पे 8 और यहां पे अगर -8 लिखा होता तो ये परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर ना हो तो मे बी कोइंसिडेंट हो सकती है, ये कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है। तो जरा चेक कर लेते हैं, पता कैसे चलेगा, मतलब जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर होगी या कोइंसिडेंट होगी, मे बी दोनों ना हो, नाइदर हो, तो चेक करना पड़ेगा आपको। चेक किस तरह करोगे, आपको एच ए बी चाहिए, ये तीन चीजें। तो ये तो बच्चों ए है, ये बी है, और ये जो लिखा होता है ना एक्स वाई के साथ, ये वैल्यू होती है 2h की। जो भी एक्स वाई के साथ लिखा हुआ है वो क्या होता है, 2h होता है। तो 2h किसके बराबर है, -16 के। तो h किसके बराबर होगा, -8 के। तो h की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। इस कंडीशन को आप इस्तेमाल करो, h² - ab, h है -8, -a है 8, b है 8। तो h² - ab, -8² = 64, 8×8=64, आंसर 0 आ रहा है। मतलब h² - ab 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब माइनस क्या, कोइंसिडेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी रियल एंड कोइंसिडेंट। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा होता तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऑप्शन नंबर ए। और अगर आंसर इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा होता, इसका मतलब इमेजिनरी, ऑप्शन नंबर सी। और अगर मतलब कभी देखो ये दो किस्म के सवाल पूछते हैं, या तो कभी आपको ऑप्शन में देंगे परपेंडिकुलर, कोइंसिडेंट, नाइदर। तो इस वाले केस में अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लिखोगे, कोइंसिडेंट है तो कोइंसिडेंट लिखोगे, और अगर दोनों नहीं है तो आप नाइदर लिखोगे। एक किस्म का ये सवाल होता है। और एक किस्म का ये होता है जिसमें आपसे नेचर पूछ रहे होते हैं, मतलब पूछने का डिफरेंट अंदाज होता है। यहां पे नाइदर का कोई केस नहीं होता, क्योंकि यहां पे दो केस, पहले वाले केस में तो दो केस डिस्कस कर रहे होते हैं ना, परपेंडिकुलर है, कोइंसिडेंट है या नाइदर है। तो उसमें आंसर आप नाइदर लिख सकते हो, अगर आंसर आपका मतलब जीरो भी नहीं आ रहा और परपेंडिकुलर कंडीशन भी नहीं है। ये जो नेचर पूछी गई ना ये डिफरेंट टाइप की, इसमें आपसे ये बातें पूछी गई है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड कोइंसिडेंट है या इमेजिनरी है। तो इसके आंसर में अगेन तीन ऑप्शन मैंने बताया आपको, जीरो आ जाएगा तो रियल एंड कोइंसिडेंट, पॉजिटिव आ जाएगा तो रियल एंड जीरो आएगा तो रियल और कोइंसिडेंट, पॉजिटिव आएगा तो रियल एंड डिस्टेंट, नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी। तो ये बातें अगर आप थोड़ा पैरेलल नहीं हो सकती है, ध्यान रखना, जो भी ज्वाइंट इक्वेशन है वो पैरेलल नहीं हो सकती क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर रही है, पैरेलल कैसे होंगे। 9 में लिखा हुआ है 2 or more स्ट्रेट लाइन मीट एट 1 point। भाई दो लाइंस के लिए तो हम नॉर्मल इंटरसेक्टिंग का वर्ड यूज करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो। दो से अगर ज्यादा होती है ना तो हम नॉर्मली उसके लिए कंकरेंट का वर्ड यूज कर लेते हैं। तो कंकरेंट का मतलब वो लाइंस जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 लाइंस हैं और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उनको आप बोलोगे कंकरेंट लाइन, ऑप्शन नंबर 8। 10 में ये जो मैंने बताया था ना प्रोडक्ट ऑफ स्लोप भी पूछा गया, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, अपॉन बी, ये -2h/b होगा। ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है ना वो ठीक होता है उस वक्त जब सम ऑफ स्लोप बोलते हैं, सम ऑफ स्लोप -2h/b, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप a/b होता है। नेचर आपसे पूछी गई है 11 में कि रियल एंड डिस्टेंट कब होंगे, रियल एंड डिस्टेंट उस वक्त होंगे जब h² - ab > 0 है। लेकिन देखो हमने ये नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा हुआ है, तो बात एक ही है, ab को उधर ले जाओ। तो h² > ab होगा जब रियल एंड डिस्टेंट, और h² < ab होगा जब इमेजिनरी का केस है, हाँ, जब -ab का बदल लेते हो। तो इस तरह भी पूछ सकते हैं, इस तरह भी पूछ सकते हैं, दोनों एक ही बात है। 12 में लिखा था इफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है देन द पॉइंट, ये मैंने गलती की थी, मुझे याद है अपनी बारी में इसमें मेरी तबीयत खराब थी सेकंड ईयर के मैथ के पेपर में, ये आपको नजर आ जाएगा 2016 में मैंने एग्जाम दिए थे ना। और ये गलती वो है कि अगर मेरी तबीयत ठीक होती फिर भी शायद मैं गलती कर रहा होता, ये बहुत ही कॉमन गलती है, इवन टीचिंग में कर रहा होता मैं। आपको पोजीशन बतानी है पॉइंट की, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, लाइन के ऊपर है, नीचे है, क्या है। तो ये जो मेथड होता है ना, इस मेथड के लिए शर्त ये होती है कि आपने वाई को पॉजिटिव करना होता है,
तो y को पॉजिटिव कैसे करोगे, पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दो। ये वो शर्त है जो मैंने पूरी नहीं की थी, और ये शर्त मेजोरिटी बच्चे पूरी नहीं कर रहे होते। वो डायरेक्ट पॉइंट पुट करते हैं, पॉजिटिव आए तो अबव कह देते हैं, नेगेटिव आए तो बिलो कह देते हैं। नहीं, आपने पहले लाइन में y को पॉजिटिव करना है, y के कोएफिशिएंट जो भी लिखा है उसको पॉजिटिव करना है। अगर पहले से पॉजिटिव है फिर तो खत्म होगी ना बात, पहले आप पॉजिटिव करोगे, जब पॉजिटिव हो जाए अब आप पॉइंट पुट करोगे। तो आप x की जगह पे पुट कर दो -1, y की जगह पे पुट कर दो 2, ये हो जाएगा 6 + 2 - 5। डेफिनेटली आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये अबव लाई कर रहा है। तो पहले y को पॉजिटिव करना, उसके बाद पॉइंट पुट करना। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा हो तो वो अबव है, अगर नेगेटिव आ रहा हो तो वो बिलो है, और अगर जीरो आ रहा हो तो इसका मतलब वो तो लाइन के ऊपर है ना, ऑन द लाइन हो जाएगा। थर्ड ईयर में आपसे बोला गया हाँ, परपेंडिकुलर के लिए आप ऑर्थोगोनल का वर्ड भी यूज करते हो। ऑर्थोगोनल ज्यादातर वेक्टर्स के साथ यूज कर रहे होते हैं, लेकिन मतलब वही है, परपेंडिकुलर के मतलब होता है इसका। तो मैंने बताया था जब परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल आप बोल दो तो ए प्लस बी जीरो होता है। अच्छा, अगर ए प्लस बी जीरो है तो ए बराबर हो जाएगा माइनस बी के, या बी बराबर हो जाएगा माइनस ए के, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। तो ए इक्वल टू माइनस बी ऑप्शन नंबर बी। 14 में आपसे बोला गया था स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब एक लाइन आपको दे दी गई है और बोला गया है कि बताओ इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा। तो सबसे पहली बात, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है -3/-5, मतलब इसका स्लोप है 3/5। ये तो यहां पर डिस्कस की थी लाइन, आई वही वाली लाइन है, तो इसका स्लोप है 3/5। इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, रेसिप्रोकल करो और नेगेटिव कर दो। तो इसके जो पैरेलल लाइन होगी उसका स्लोप 3/5 होगा, और जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप -5/3 होगा। तो परपेंडिकुलर का पूछा था, ऑप्शन नंबर बी। 15 में आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा गया है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ये 3.2 का टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x3, x2 - x4, y1 - y3, y2 - y4। ये 2/2 का डिटरमिनेंट है तो काफी इजी होता है, और बाहर 1/2 लिखा होता है। तो x1 अगर आप देखो तो 0 है पॉइंट्स में, पहले तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 ले लेना। तो x1 0 है, x3 5 है, सबट्रैक्ट कर दो। x2 0 है, x4 भी 0 है। अच्छा, y1 0 है, y3 भी 0 है, y2 3 है और y4 11 है, और बाहर 1/2 भूल गया था। तो ये सिंपल लैंग्वेज में क्या है, -5 0 0 -8। तो -5 को -8 से करो 40 आएगा, 40 को 2 से, बाहर वाले 2 से डिवाइड करना 20, ऑप्शन नंबर ए। 16 में ऑर्थो सेंटर बोला हुआ, मैंने बताया था ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। 17 में आपसे पूछा है कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन L1 एंड L2, ये के मेथड का सवाल है, ये एमसीक्यू बन सकता है, ये आया हुआ तो नहीं है लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो के मेथड में अगर आपने देखा हो, के मेथड का टॉपिक क्या था, कि अगर दो लाइन के इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास कर रही हो तो उसकी इक्वेशन निकालते थे। तो उसकी इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी, L1 + KL2, फिर आपको कंडीशन यूज करके के की वैल्यू निकालते थे। के मेथड भी आप इसको बोलते हो, या आप ये भी बोलते हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। बहरहाल ऑप्शन नंबर ए यहां पे ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलती से नहीं कर देना, ऑप्शन नंबर सी में राइट हैंड साइड में 1 लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये लेकिन राइट साइड में 1 लिखा हुआ है। 18 में आपको बोला हुआ है, ये जो केस है ना इसमें एंगल बिटवीन लाइन का भी एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 में बोला हुआ है तीन लाइंस क्या है अगर ये डिटरमिनेंट पूरा जीरो है। तो बच्चों ये कंडीशन होती है कंकरेंट की, अगर तीन लाइन कंकरेंट है ना तो पहली लाइन के सारे कांस्टेंट a1 b1 c1, दूसरी लाइन के a1 a2 b2 c2, तीसरी लाइन के a3 b3 c3, जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो जीरो के बराबर होगा अगर वो लाइन कंकरेंट है। पैरेलल में भी जीरो आ जाता है, लेकिन इस चैप्टर में कंकरेंट डिस्कस किया हुआ है तो हम कंकरेंट ही कंसीडर कर रहे हैं। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो ऐसा भी हो सकता है वो लाइन पैरेलल हो, लेकिन स्पेसिफिक अगर आप बात करो तो कंकरेंट यहां पे ठीक है, और ऑप्शन में भी कंकरेंट ही लिखा हुआ है, बुक में भी कंकरेंट की कंडीशन होती है, 3.1 का टॉपिक है। तो तीन लाइन कंकरेंट होती है जब ये पूरा डिटरमिनेंट जीरो के बराबर होता है।
20 में आपको बोला हुआ इक्वेशन। अच्छा अब ये बुक का टॉपिक है, ये सिंपल इसका नाम है तो मैंने इंक्लूड कर दिया कि 3.3 से पहले आपको मिल जाएगा ये। मैं भी पूछ ले आपसे, ये जो bx square plus 2hx plus a equal to 0, इसको आप कहते हो स्लोप क्वाड्रेटिक फॉर्म, 3.3 से पहले आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 में बोला गया टू लीनियर इक्वेशन हैव द सेम x एंड y कोएफिशिएंट इन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय देम। भाई अगर कोई भी दो इक्वेशन है उनमें x और y के कोएफिशिएंट सेम है तो वो पैरेलल की कंडीशन होती है। पैरेलल्स में शुरू की दो टर्म सेम होती है, मतलब दोनों इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट सेम है, दोनों इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट सेम है, तो उसका मतलब वो लाइन पैरेलल है। एक और भी कंडीशन होती है पैरेलल की, लेकिन ये तो है ही ना, एक और भी हो सकती है, वो मैंने पहले भी बताया था किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुए हो तब भी वो पैरेलल ही होते हैं। लेकिन अगर दोनों इक्वेशन में आपको दोनों के x के कोएफिशिएंट सेम नजर आ रहे हैं, दोनों के y के कोएफिशिएंट, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है 3x minus 5y minus 15, तो एक और इक्वेशन 3x minus 5y कांस्टेंट चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल 1, तो ये दोनों पैरेलल है क्योंकि x के कोएफिशिएंट सेम है, y के कोएफिशिएंट सेम है। और अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी हो जाए, फॉर एग्जांपल इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6x minus 10y और कोई भी अपनी तरफ से कॉन्स्टेंट लिख लो, फॉर एग्जाम्पल 1 ही कर दो, तो ये वाली लाइन ये अभी भी पैरेलल है। दोनों कंडीशन होती है पैरेलल की, यहां पे तो खैर ये पहली वाली कंडीशन पूछी हुई ऑप्शन नंबर है। फिर दो लाइंस आपको दी हुई है और आपसे बोला गया कि पैरेलल होंगी तो क्या कंडीशन है, मैंने बताया था या तो ये या ये, उसमें देख लो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ये वाली चीज पूछी है तो ये पैरेलल की कंडीशन होती है। 23 में बोला था स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू वन वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ऑपोजिट साइड, ये ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन है कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो ऑल्टीट्यूड। 24 में ये जो इक्वेशन है ना यार, इसको आप बोलते हो होमोजेनियस इक्वेशन, और इसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि हर टर्म की पावर 2 है, इसकी भी 2, इन दोनों की पावर 1 है, ऐड करो तो 2 हो जाएगी, इसी तरह इसकी भी 2, तो इसको आप बोलते हो होमोजेनियस डिग्री। होमोजेनियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर टर्म की पावर सेम है 2 2 2, और डिग्री इसकी क्या है 2, तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इसको कहा जाता है। ये बुक में लिखा हुआ है, इसका नाम 3.3 से पहले है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे ठीक है। और 25 में लिखा हुआ है ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड जो है कंकरेंट होते हैं, मतलब तीनों ऑल्टीट्यूड जो है वो एक पॉइंट पे मिल रहे होते हैं, एक पॉइंट से पास हो रहे होते हैं, मतलब तीनों ऑल्टीट्यूड एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसको आप बोलते हो कंकरेंट, ठीक है। अच्छा बच्चों चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, अगेन जो बोर्ड एमसीक्यूज हैं वो एग्जाम वाले हैं, पास पेपर में आ चुके हैं, तो और टाइम कम है तो आप उनको सॉल्व कर लो, और मजीद एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है तो जो एमसीक्यूज बोर्ड नहीं है जो एंड पे मैंने लिखे हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लो, मजीद आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। उसके बाद दसवें चैप्टर नंबर 4 है, और चैप्टर नंबर 4 में डेरिवेटिव है काफी फॉर्मूले हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, काफी सब डिस्कस कर लिए ना मैंने, तो ये काफी ज्यादा फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से किस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो, तब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करो। बोल्ड का मतलब जो एमसीक्यूज बोल्ड हुए हैं, अच्छा डेरिवेटिव में ज्यादातर इक्वेशंस होती हैं तो पूरा वो बोल्ड नहीं होता, इक्वेशंस बोल्ड नहीं होती, तो आपको ऑप्शंस और एमसीक्यूज नंबर बोल्ड नजर आ रहा है तो समझ जाओ ये पास पेपर में आ चुके हैं, और जो बोल्ड नहीं हुआ होगा इसका मतलब वो मैंने अपनी तरफ से डाला है। खैर सबसे पहला लिखा हुआ है कोसेक, अच्छा कोसेक को आप इस तरीके से भी लिखते हो COSEC, ये भी कोसेक कहलाया जाएगा, या इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकता हूँ, इनवर्स लिखना हो तो मैं इस तरह इनवर्स कर दूंगा, तो दोनों तरीके से कोसेक को लिखा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। आपको बोला गया है कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव निकालो, तो कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस, यहाँ पे वाई लिखा है ना, तो वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर आप वाई का डेरिवेटिव लो, वाई का डेरिवेटिव 1 होता है, सॉरी ये वाई स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसलिए डेरिवेटिव 1 है तो जस्ट आप ये लिख दो, तो ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। अच्छा देखो वेरिएबल यहाँ पे वाई है, ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक है, उसमें वेरिएबल एक्स लिखा हुआ है, स्टूडेंट बेध्यानी में एक्स लिख देते हैं क्योंकि उन्होंने रटा मारा था फॉर्मूले में एक्स है, वो एक्स ही लिखकर आ जाते हैं। हालांकि आप देखो तो कोसेक इनवर्स में वाई आप मतलब यहां पे वाई लिखा हुआ है और आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, वेरिएबल चेंज हो गया, पहले आप एक्स लिखा होता था विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते थे तो एक्स की फॉर्म में आता था, तो यहां पे वाई हो गया तो वाई की फॉर्म में आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पे ठीक है। 2 में लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 के बराबर होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 है, ऑप्शन नंबर डी। 3 में लिखा हुआ है sec स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, तो sec स्क्वायर है सबसे पहले पावर रूल लगाओ, पावर रूल लगाओ पावर 2 पहले आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है sec का डेरिवेटिव, sec का डेरिवेटिव क्या होता है
sec x tan x, और फिर तीसरी चीज होती है एंगल का डेरिवेटिव, एंगल x है x का डेरिवेटिव हमें। मजीद अगर आपने कॉन्सेप्ट हासिल करना है 4.2 आप सॉल्व करो तो आपको पता चल जाएगा। तो सिंप्लीफाई करो sec x sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर tan x, ऑप्शन नंबर सी। फोर में आपको बोला साइन स्क्वायर का, मतलब इसी पैटर्न पे आपको साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले पावर रूल लगाओ, टू पहले आ गया, ठीक है, फिर साइन का डेरिवेटिव लो, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, फिर एंगल का डेरिवेटिव लो, एक्स का डेरिवेटिव वन ही होगा, तो आंसर आ जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर बी। फाइव में लिखा हुआ टेंजेंट इनवर्स 2x का डेरिवेटिव निकालो, तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है इक्वली लिखना, डेरिवेटिव है ना, तो डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस जो भी यहां पे लिखा हुआ है ना उसका स्क्वायर करते हो आप, तो 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, उसके बाद ऊपर उसका डेरिवेटिव लेते हो, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। या आमतौर पर बच्चे गलती करते हैं डेरिवेटिव नहीं लेते, डेरिवेटिव वाला स्टेप आपने भूलना नहीं है। मैंने आपके चैनल पे चैप्टर 4 और इंटीग्रेशन इन दोनों में मैंने डिटेल में बताया था ये कंफ्यूजन होती है। तो इनवर्स tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस जो भी इसके बाद लिखा हुआ है, मतलब tan इनवर्स के बाद जो भी चीज लिखी हुई है उसका इधर आपने स्क्वायर करना होता है, ऊपर उसका डेरिवेटिव लेना होता है, तो 2x का डेरिवेटिव 2, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर ठीक है। सिक्स में आपको बोला हुआ है कि आप डेरिवेटिव निकालो, फंक्शन है f of y equal to log ay, आपको निकालना है डेरिवेटिव d upon dy, मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आपके पास कोई भी लॉग लिखा हुआ है, लॉग a लिखा हुआ है या a की जगह पे 10 लिखा हुआ है या a की जगह पे 4 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो देखो दो किस्म के लॉग होते हैं ना, एक तो e वाला लॉग होता है, मतलब अगर आपके पास लिखा हो लॉग e और फॉर एग्जाम्पल x कर लेते हैं ना, तो लॉग e को आप ln लिखते हो, तो ln x को डिफरेंशिएट करना काफी इजी होता है। किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करते हो, अगर आपके पास ln लिखा हुआ है, ln लिखा हो या log e लिखा हो, एक ही बात होती है, नॉर्मली ln आपको नजर आ रहा होता है, तो उसको डिफरेंशिएट करना बड़ा इजी होता है। ln के बाद जो भी चीज लिखी होती है ना उसको आप लेके जाते हो डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव ऊपर ले लेते हो, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये भी सवाल आएंगे इस टाइप के। लेकिन अगर ln के अलावा कोई और log लिखा हो, मतलब जिसमें बेस a हो, 10 हो, कुछ भी और नंबर हो, तो उसको डिफरेंशिएट करने का भी यही तरीका होता है, बस एक एक्स्ट्रा चीज आप लिखते हो। वो एक्स्ट्रा चीज क्या होती है कि आप 1 अपॉन ln a लिखते हो, ये एक्स्ट्रा चीज है, बाकी वही काम करोगे आप, बस अपनी तरफ से आपने लगाना है 1 अपॉन ln a। अगर यहां पे लिखा होता log 10 तो मैं अपनी तरफ से क्या लिखता, 1 अपॉन ln 10, मतलब ln के बाद वो चीज आप लिखोगे जो यहां पे लिखी हुई है, तो ये आपको एक्स्ट्रा काम करना है। अगर e आ रहा है तो उसमें ये काम करना नहीं पड़ता आपको, लेकिन अगर a है, 10 है, कोई और बेस है, तो आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ता है, 1 अपॉन ln a लिखोगे या 1 अपॉन ln 10 होगा, उसके बाद क्या करोगे जो यहां पे करते थे कि जो भी log के बाद लिखा है उसको लेके जाओ डिनोमिनेटर में और y का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में ले लो, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 ही होता है, तो इन शॉर्ट इसका आंसर आ जाएगा y 1 अपॉन y ln a, ठीक है। तो डिटेल में मैंने आपको बात बता दी है, आप इतनी डिटेल में भी नहीं मैं जा सका क्योंकि चीजें मैं थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूं काफी, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पे ठीक है। मैं एक चीज यहां पे डिस्कस कर दूं, एमसीक्यूज का भी इस तरह भी पूछा जा सकता है, लाइक यहां पे पूछा है डी अपॉन डी वाई बताओ लॉग ए वाई का, तो इसका आंसर है 1 अपॉन वाई एल एन ए, मैंने बता दिया किस तरह है। कभी वो सिर्फ डी अपॉन डी वाई नहीं, जस्ट ये बोलते हैं कि d बताओ log का, मतलब डी वाई को आप बदल ले जाना, ठीक है, जरा देखना कि वो मालूम करने को क्या बोल रहे हैं आपको, डेरिवेटिव ऑफ log a विद रिस्पेक्ट टू बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। अगर नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका मतलब आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है उसको, ठीक है, तो चीज को ध्यान रखना। सेवन में लिखा हुआ है cos इनवर्स का डेरिवेटिव, cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस, cos इनवर्स के बाद क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो और ऊपर उसका डेरिवेटिव ले लो, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। 8 में आपको बोला है कि आप डेरिवेटिव निकालो इसका ln e की पावर x स्क्वायर। अब यहां पे आप ln वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, ln को जिस तरह आप डिफरेंशिएट करते हो कि ln के बाद जो भी चीज लिखी हुई है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, ऊपर उसका डेरिवेटिव लो, उस तरह आप कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। आप यहां पे log की प्रॉपर्टी लगा दो, मतलब डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, अभी डेरिवेटिव नहीं मैं ले रहा। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है,
अगर आप किसी ऐसी चीज का लॉग लो जिसकी पावर लिखी हुई हो, ये पूरी पावर है, मतलब आप लॉग ले रहे हो e का जिसकी पावर लिखी हुई एक्स स्क्वायर, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस पावर को नीचे ले आओ, बेस बना दो, ये चीज, तो पावर को मैं नीचे ले आया, ये लॉग की प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। इस तरह करने से सिंप्लीफिकेशन हो गया, किस तरीके से, जब आप इस पावर को नीचे ले आए हो, ln e जो है बच्चों वन होता है, तो जस्ट आपके पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। अभी आपने डेरिवेटिव लिया ही नहीं है, एक मुश्किल टाइप का फंक्शन था जो कि किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर। अब आप इसका डेरिवेटिव लो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता 2x होता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 9 में आपको बोला गया कि डेरिवेटिव लो x की पावर a का विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर a, अगेन पावर रूल आप लगाओगे, पावर रूल उस वक्त लगता है जब नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट हो, तो क्या डेरिवेटिव होगा, पावर रूल लगाओ, डेरिवेटिव ये हो जाएगा, तो पावर पहले आ गई फिर पावर में से आपने माइनस करना। 10 में आपसे ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है ना, 4.1 का टॉपिक, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पूछी हुई, लेफ्ट हैंड साइड क्या आती, f of a prime आप कह रहे हो, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड पूछी है। 11 में आपसे बोला हुआ है y equal to cot x, अब देखो ये जो मैंने चीज ऊपर बताई थी आपको, y equal to cot x, और आपसे पूछा हुआ है कि dy बताओ, मतलब dy upon dx भी पूछा आपसे, जस्ट dy पूछा है आपसे, तो dx को आप उधर ले जाना, तो बस cot का डेरिवेटिव क्या होता है, cot का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और अगर आपसे बोलते कि dy upon dx बताओ तो ये आंसर होता, आपसे जस्ट dy बोला है उसका मतलब dx को आप उधर ले जाओ, तो ऑप्शन नंबर, अच्छा यहां पे हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहां पे ठीक हो जाएगा। 12 में आपसे बोला है कि एक फंक्शन है tangent 9x, tangent 9x का क्या करना है, आपको डेरिवेटिव लेना है, तो बच्चों tangent का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, फिर आप एंगल का डेरिवेटिव लेते हो, एंगल है 9x, 9x का डेरिवेटिव हो जाएगा 9, तो टोटल डेरिवेटिव आ गया 9 sec स्क्वायर 9x, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 13 में आपसे बोला है ln sin का डेरिवेटिव लो, ln sin x, तो क्या डेरिवेटिव होगा, ln के बाद जो भी चीज लिखी हुई है नीचे लिखो उसको, ln के बाद sin लिखा हुआ था मैं नीचे लिख दिया, उसके बाद ऊपर इसका डेरिवेटिव लो, sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos, ठीक है, तो ln sin x का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos upon sin, और आपको पता है cos upon sin cot के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। 14 में आपको अगेन वही चीज जो मैंने बोली थी, आपको अगेन देखो एग्जैक्ट यही लॉग फंक्शन की मेरा कोई वैल्यू चेंज नहीं की, आपको बोला है कि y बराबर है log ax के, तो आप dy निकालो, अब dy अपॉन dx नहीं बोला आपको, अगर ये बोला होता तो इसका आंसर होता 1 अपॉन x ln a, जस्ट लाइक इसका आंसर था 1 अपॉन y ln a, वही कॉन्सेप्ट है कि यहां पे बेस a है तो आप अपनी तरफ से ln a लगा दो 1 अपॉन ln a, उसके बाद जो भी लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर में लिखो, फिर x का डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव 1 ही होगा, तो एग्जैक्ट जैसे y 1 upon y ln a था अभी आ रहा है 1 upon x ln a, लेकिन आपसे dy upon dx नहीं पूछा, आपसे जस्ट dy पूछा है, तो उधर ले जाना ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे ठीक है। 15 में आपसे बोला हुआ है ln x cube plus 1 का डेरिवेटिव, ये अभी तक सब पास्ट पेपर के MCQs हैं, ln x cube plus 1 का डेरिवेटिव लो, तो अगेन बहुत दफा मैंने बात बताई है, ln के बाद जो भी चीज लिखी हुई है उसको डिनोमिनेटर में लिखो, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव लो, x cube का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगेन 16 में ln वाला सवाल है, लिखा हुआ है ln x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, वही प्रॉपर्टी लगाओ कि आपको x का लॉग लेना है जिसकी पावर मौजूद है, तो पावर को पहले ले आओ जो यहां पर बताया था, तो ये हो जाएगा 2 ln x, अब आप डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव किस तरह लोगे, 2 को साइड पे रखो, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon x, तो इन शॉर्ट डेरिवेटिव आ गया 2 upon x। अच्छा यहां पे डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है एट x equal to minus 2, मतलब सिर्फ आपको डिफरेंशिएट नहीं करना, डेरिवेटिव ही निकालना, डेरिवेटिव निकालने के बाद उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू माइनस 2 पे निकालो, तो जब डेरिवेटिव आ जाए x की जगह पे माइनस 2 पुट कर दो, तो यहां पे जब आप माइनस 2 पुट करोगे 2 upon, अच्छा बाय द वे सवाल में 3 लिखा होता तो यहां पे 3 आएगा, यहां भी 3 आएगा और डेरिवेटिव भी 3 है इसका, 3 अपॉन एक्स डेरिवेटिव है, अब आप एक्स की जगह पे माइनस 2 पुट कर देना यहां पे, तो ये 3 अपॉन माइनस 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 17 में आपको बोला हुआ है ए की पावर एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लो, तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ये जनरलाइज बात पूछी गई है,
कोई भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है ना, अगर बेस उसकी ई है, दो किस्म के एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, या तो बेस ए हो, ए मतलब कोई भी कांस्टेंट 2, 3, 10, 15 कुछ भी हो, और एक होता है जिसकी बेस ई हो, ई एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है 2.71 इसकी कुछ वैल्यू है। तो ई को डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, डिफरेंशिएट करने का तरीका यह होता है कि एज इट इज जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको आप लिखते हो और मल्टीप्लाई करवाते हो जो पावर में लिखा हुआ है ना उसके डेरिवेटिव से। ये तरीका होता है अगर बेस ई है, इस तरह आप डिफरेंशिएट करते हो, और अगर बेस ए है तो बस हल्की सी आप चेंजिंग करते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए लिखा हुआ और ए का मतलब ए कुछ भी हो, 10, 2, 15, 16 कुछ भी हो सकता है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हो, सबसे पहली बात एज इट इज कॉपी करते हो, दूसरी बात वही कि पावर का डेरिवेटिव लेते हो, बस अब एक तीसरा काम करते हो कि आप एल एन ए लिखते हो। यहां पे भी एल एन ई आता है लेकिन एल एन ई वन होता है, तो दैट्स व्हाई आप लिखते नहीं हो, लेकिन यहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे 2 लिखा हुआ है तो एंड पे क्या आ जाएगा, एल एन 2। ये कंप्लीट तरीका होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का। बाकी अभी ए की पावर एफ ऑफ एक्स का पूछा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक है। 18 में बोला हुआ है ln e का डेरिवेटिव निकालो, ln e 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0। 19 में बोला हुआ है 10 की पावर sin x का डेरिवेटिव, तो अगेन ये वही वाला केस है जो अभी मैंने आपको बताया है कि बेस देखो 10 आ रही है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जिसमें बेस कांस्टेंट हो पावर में वेरिएबल आ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का रूल लगा दो। क्या रूल है कि एज इट इज फंक्शन को कॉपी करो, फिर पावर का डेरिवेटिव लो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और फिर एंड पे लिखो एल एन 10। इन तीन स्टेप में आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। 20 में बोला हुआ है ई की पावर एल एन साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लो, ई की पावर एल एन साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेने से पहले एक सिंप्लीफिकेशन कर लो, वो सिंप्लीफिकेशन क्या है, जब भी ई की पावर में एल एन आता है तो ये कैंसिल हो जाता है, ई और एल एन ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा साइन एक्स स्क्वायर। ये मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन होती है, जब भी ई की पावर में एल एन करके कुछ आएगा तो ई और एल एन कैंसिल, जो पीछे बचेगा उसको नीचे लिख लो। तो अब आप डेरिवेटिव इस चीज का लो, ये वाली चीज मुश्किल थी ना, आपने सिंप्लीफिकेशन कर ली है इसकी, आप सिंप्लीफाई होकर क्या होगा साइन एक्स स्क्वायर। अब आप इसका डेरिवेटिव लो, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, ठीक है, और एंगल मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। यहां पे कुछ लोग पावर रूल लगा देते हैं, तो पावर रूल उसको लगता है जब ये 2 थोड़ा पहले लिखा होता, अगर ये 2 थोड़ा पहले लिखा होता इसका मतलब ये साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब साइन एक्स की पावर स्क्वायर है, 2 बाद में लिखा हुआ इसका मतलब साइन एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर का साइन, जबकि पहले वाले केस में था साइन एक्स का स्क्वायर। तो पावर रूल आप उस वक्त लगाते हो जब होल फंक्शन की पावर हो, इस तरीके से जब इस तरह यहां पे लिखा, अगर स्क्वायर बाद में लिखा हुआ इसका मतलब ये होल फंक्शन के ऊपर नहीं है, जस्ट एंगल के ऊपर है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, सिंपल साइन का डेरिवेटिव कॉस, और फिर आप एंगल का डेरिवेटिव लोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ऑप्शन नंबर सी। 21 में अगेन ये बुक का क्वेश्चन है, ये 4.2 में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, उसका कोई पार्ट है। तो क्या लिखा हुआ है, ln ln t, इसको डिफरेंशिएट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मैंने बात बोली थी, जब भी ln आए डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है कि ये जो ln है इसके बाद जो भी चीज लिखी हुई है वो आप डिनोमिनेटर में लेके जाओ। ये बात मैंने कुछ 36 ज्यादा में बताइए, जब भी ln को मैंने डिफरेंशिएट किया मैंने यही बोला कि ln इन दो लेटर्स के बाद जो भी चीज लिखी हुई है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो यहां पे ln के बाद क्या लिखा हुआ है, ln के बाद ln t लिखा हुआ है, आप डिनोमिनेटर में लेंगे, फिर न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव ले लो। ln t का डेरिवेटिव क्या होता है, ln t पे अगेन जब आप ln वाला रूल लगाओगे तो ln t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/t, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1/t ln t, ऑप्शन नंबर सी। 22 अगेन ये बुक के क्वेश्चंस हैं, ये 5 पेपर में आए नहीं है लेकिन हो सकता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे से, इसलिए मैंने अतायतन डाल दी। जैसे 22 में लिखा हुआ है कि जो मॉडुलस फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसका डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए। रीजन इसकी मेरे चैनल पे अपलोड है, वाई की प्लेलिस्ट है, आप जाके देखना, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए ठीक है यहां पे। और 23 भी क्वेश्चन नंबर 3 है 4.2 का, कि ln t की होल पावर 5 इसका डेरिवेटिव लेना है, तो अगेन आप पावर लगाओगे, ln t की होल पावर लिखी हुई है ना, तो पावर लगाओ, 5 पहले आ गया, पावर में से 1 कम करो, तो 5 का 1 कम करो 4 हो जाएगा, ये पावर आपने अप्लाई किया। फिर पावर क्या कहता है कि बेस का भी डेरिवेटिव लेना ना, बेस ln t है
एन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/T। तो कंप्लीट डेरिवेटिव है 5 ln t की पावर 4 डिवाइडेड बाई टी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर। ठीक है तो बच्चों चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है उसके बाद चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 यार बहुत ही ईजी है, एमसीक्यू से पार्ट ऑफ इसे। वैसे अगर आप समझो तो 4.2 थोड़ी मुश्किल लगती है। अगर आप टॉपिक्स में देखो, टॉपिक्स में काफी ज्यादा चीजें लिखी हुई मैंने जो आपने शायद सुनी भी ना हो, लेकिन ये सब आपके बुक के टॉपिक है। इस नाम से शायद लीनियर अप्रोक्सीमेशन आपने सुना नहीं होगा, लेकिन कर रहे होते हो आप। डिफरेंशियल का नाम आपने सुना हुआ होगा। लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो आप वो निकाल लेते हैं ना, साइन 46 की वैल्यू, लॉग की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते, उसको लीनियर अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। इसी तरह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम 5.3 का टॉपिक है, और जो पहली चीज है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, ये 5.1 का टॉपिक है। ठीक है लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेपर में इसके 3 एमसीक्यूज आ चुके हैं हिस्ट्री में आज तक, वो 3 एमसीक्यू शुरू में आपको नजर आ रहे हैं। पहला एमसीक्यूज आपको एक एस मतलब डिस्टेंस फंक्शन दे देते हैं कि एक एस जो है वो एफ ऑफ टी है, मतलब एक डिस्टेंस फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि बताओ डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर ये क्या है। तो भाई याद रख लो इस चीज को, अगर एस जो है वो एक डिस्टेंस फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, तो अगर आप इस डिस्टेंस फंक्शन को एक दफा डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास आएगी वेलोसिटी। और अगर आप इस डिस्टेंस फंक्शन को दो दफा डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगी एक्सेलरेशन। ठीक है तो यहां पे दो दफा डिफरेंशिएट किया हुआ ऑप्शन नंबर सी। 2 में लिखा हुआ है नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ एक्स टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू। देखो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो नहीं है तो एक्सट्रीम तो आ ही नहीं सकता। हाँ सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, ये शर्त नहीं है। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाता है लेकिन फिर भी फंक्शन आपका मैक्सिमम या मिनिमम होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि पहला डेरिवेटिव तो जीरो होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर जीरो है तो आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू आएगी, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम आएगी। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ही जीरो नहीं है इसका मतलब अब नहीं आएगी। तो जो जरूरी नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो, ऑप्शन नंबर सी। 3 में लिखा हुआ है एक फंक्शन है वो मैक्सिमम कब होता है। सबसे पहली बात, जब फर्स्ट डेरिवेटिव उसका जीरो है किसी भी पॉइंट के ऊपर, कोई ए पॉइंट होगा उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है उसका, फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये तो बेसिक कंडीशन है। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर जीरो है तो मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी लेस देन जीरो है, तो अब आपका फंक्शन होगा मैक्सिमम। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव तो दोनों कंडीशन में जीरो होगा, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम, और सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम। इस कंडीशन को समझाया हुआ मैंने, अभी इतना टाइम नहीं है समझाने का, ये उल्टा होता है। आमतौर पर बच्चे समझते हैं ग्रेटर देन जीरो आ रहा तो मैक्सिमम, नहीं, ग्रेटर देन जीरो आ रहा तो मिनिमम, लेस देन जीरो आ रहा तो मैक्सिमम, इस चीज को भी याद रखना। और पहला डेरिवेटिव तो जीरो होगा दोनों कंडीशन में। तो यहां पे मैक्सिमम की कंडीशन पूछी हुई थी, मैक्सिमम की कंडीशन ये है, ऑप्शन नंबर बी। ये 3 एमसीक्यूज आज तक आ चुके हैं, बाकी मजबूरन मैंने 3-4 और डाले हैं, इज्जत रह जाए कोई, वरना 3 एमसीक्यूज डाले क्या इज्जत होगी। 4 ये 5.3 का टॉपिक है कि आपका फंक्शन इंक्रीज कब करता है। आपका फंक्शन इंक्रीज उस वक्त करता है जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, और डिक्रीज कब करेगा जब डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो। तो यहां पे खैर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 5 पे बोला है अ पॉइंट वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज जीरो। भाई ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे जीरो होता है ना, उस पॉइंट को आप बोलते हो स्टेशनरी पॉइंट। अब वो स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम नहीं भी हो सकता। ऐसे भी पॉइंट है जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है लेकिन वो मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है। ठीक है तो जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है तो आप एक जनरलाइज वर्ड बोलते हो स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है ऑप्शन नंबर 6 में बोला हुआ है पॉइंट एट विच सेकंड डेरिवेटिव जीरो। इसका भी एक नाम होता है, ऐसा पॉइंट जिस पे सेकंड डेरिवेटिव आपका जीरो हो, इसको आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हो। जरूरी नहीं है सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो और उसके साथ साथ कॉनकेविटी भी चेंज हो, लेकिन अब ये बात थोड़ी आगे निकल जाएगी। ये आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जहां पे लिखा है ना 5.3 से पहले पेज के बिल्कुल आखिरी लाइन पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखा हुआ है, लेकिन उसके बारे में इतना बताया हुआ नहीं है, लेकिन ये होता है एक पॉइंट, इस पे सेकंड डेरिवेटिव जीरो होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑप्शन नंबर 8। और 7 में आपको एक डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, मतलब दो दफा डिफरेंशिएट करो आप एस यू टी स्क्वायर प्लस 1/2 a t 4। यहां पे जो वेरिएबल है वो t होगा, बाकी कॉन्स्टेंट सारे आप ट्रीट करोगे। तो आप पहली दफा डिफरेंशिएट करो डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, u को साइड पे करो, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t। इसी तरह 1/2 a, ये कोफिशिएंट है साइड पे कर दो, t4 का डेरिवेटिव 4t³। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं अभी,
टू वन जा टू 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 जा फोर, ये हो जाएगा टू ए टी क्यू। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो मतलब दो दफा डिफरेंशिएट करना है, तो दोबारा डिफरेंशिएट करो इसको। अब टू यू को साइड पे रखो, टी का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टी वन होगा। इसी तरह टू ए को साइड पे रखो, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, टी क्यूब का डेरिवेटिव होगा थ्री टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो टू यू, ये हो जाएगा सिक्स ए टी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे ठीक है। ये बोर्ड एमसीक्यूज में इतने नहीं आते, शायद इजी फंक्शन आपको दे दें, लेकिन मुझे एमसीक्यूज मिल नहीं रहे थे तो मैंने कहा था चलो यार जो भी एमजीए 5.1 का टॉपिक है उसमें आपको ऐसे फंक्शन मिल जाएंगे, वहां पे थोड़ा इजी फंक्शन लिखा हुआ है बुक में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है, तो ये उसी टाइप की है, इतना मुश्किल भी नहीं है, बस दो दफा डिफरेंशिएट करना है आपने तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगर वेलोसिटी बोलते हैं तो आप एक दफा डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया ठीक है। उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में अगेन यार इंटीग्रेशन में काफी फॉर्मुले हैं, अगर वो आपको आते होंगे तो आप सही तरीके से कर लोगे वरना फंस जाओगे। जो बोल्ड हुए हैं एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम में आए हुए, और जो बोल्ड नहीं हुए होंगे वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आए हुए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एमसीक्यू में लिखा हुआ है कोसेक एक्स का इंटीग्रल। तो बच्चों कोसेक एक्स के दो इंटीग्रल होते हैं, ये आपको पेज नंबर 200 होगा उस पे आपको मिल जाएगा, 200 या 201 नहीं 200 है उस पे आपको मिल जाएगा। कोसेक के दो फॉर्मूले होते हैं ए इंटीग्रल के, एक होता है एल एन कोसेक माइनस कॉट और दूसरा होता है एल एन टेंजेंट एक्स अपॉन टू। मतलब पहला है एल एन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, दूसरा होता है एल एन टेंजेंट एक्स अपॉन टू। तो यहां पे एल एन टेंजेंट एक्स अपॉन टू वाला जो है ना वो लिखा हुआ है, मे बी पेपर में ये ऑप्शन को हटा के आपके पास आ जाए एल एन कोसेक माइनस कॉट प्लस सी तो वो भी ठीक हो जाएगा। दोनों इसके फॉर्मूले होते हैं, मैंने पेज भी बता दिया आपको, फॉर्मूले भी बता दिए, कोई भी पूछा जा सकता है। टू में देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक ही दफा आप लोगों को बता रहा हूं, बार बार एक ही बात बताने की जरूरत नहीं है, टाइम जाया होता है, कि जब भी आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और आपने उसको इंटीग्रेट करना है, मैं भी इंटीग्रेट की बात कर रहा हूं, तो जो भी पावर लिखी हुई हो उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। तो यहां पे देखो पावर टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो जो पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, दैट्स इट। अब आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट किस तरीके से करोगे, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है एज इट इज कॉपी करो प्लस सी लगा दो। थ्री में ये एलएन वाला फॉर्मूला होता है कि अगर डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है तो उसका आंसर क्या होता है एलएन एफ ऑफ एक्स। मतलब इसके सवाल आपको अभी नजर भी आएंगे कि डिनोमिनेटर में कोई भी एक फंक्शन लिखा हुआ है और उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है तो इसका आंसर क्या होगा एलएन, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हुआ है वो लिखो प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी। फोर अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखा हुआ है 3e की पावर 3x, dx लिखा हुआ है। अगेन जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है आप देखते हो पावर का डेरिवेटिव साथ है या नहीं, पावर है e की पावर 3x, मतलब पावर 3x है यहां पे, और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 होता है, मतलब आपको 3 चाहिए और 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपनी आसानी के लिए 3 को बाद में लिख लो। तो अब देखो जो भी पावर में लिखा हुआ है फंक्शन उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, जब ये शर्त कंप्लीट हो जाए अब आप इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट कैसे करते हो, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो लिखो प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो। बिल्कुल अगर ये 3 ना होता तो अब इसका इंटीग्रल क्या होता, अब आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते। अगर इस सवाल में 3 ऑलरेडी मौजूद ना होता ना तो पावर का डेरिवेटिव तो 3 है ना, तो आप 3 कैसे लाते, आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते, तो अब इसका आंसर होता 1/3 और इस पूरी चीज का आंसर होता है e की पावर 3 है। तो ये डिफरेंट बातें, ये आपने 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है हाँ वो एक्सपोनेंशियल का है तो उसमें आपने बातें पढ़ी भी होंगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना जाके भाई। 5 में अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अब क्या लिखा हुआ है e की पावर ax dx, अगेन वही करो ax का डेरिवेटिव क्या होगा, ax का डेरिवेटिव होगा a, तो a साथ नहीं लिखा हुआ ना, a से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लो, तो अब जो पावर है उसका डेरिवेटिव साथ है तो आंसर हो जाएगा 1/a e की पावर ax प्लस c। बातें बहुत दफा मैंने डिस्कस की है, ऑप्शन नंबर सी। 6 में लिखा हुआ है सेक और टेंजेंट। मैंने आप लोगों को 6.3 में जब क्वेश्चन नंबर 3 करवाने लगा था उससे पहले 10 फॉर्मूले लिखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक, तो सेक एक्स एन एन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है सेक के बराबर होता है। जैसे सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स एन एन एक्स, तो सेक एक्स एन एन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सेक एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। 7 में आपके पास लिखा हुआ है
1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx आपने इंटीग्रेट करना है। तो आप ये वाला फॉर्मा लगाओगे, जो नीचे फंक्शन लिखा होगा उसका डेरिवेटिव ऊपर है, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और इस 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा ना, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 आ रहा है जो कि ऊपर मौजूद है। तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या कहता है, ln लिखो जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है वो लिखो, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद अगेन ln वाला है कि आपके पास लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, तो डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस x स्क्वायर, क्या डेरिवेटिव होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है जो कि ऊपर मौजूद है। तो आप लिखोगे ln जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है प्लस c, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा 9 जो है ना यार, मैं एक बात बता रहा हूं, ये बार बार बात बोली जाएगी, 2-3-4 एमसीक्यू इसी टाइप के आते हैं, तो ये जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा यार ये एक ही चीज है, वो ये है, अभी तो फिलहाल 9 की बात करते हैं। ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में ना आप एक पावर रूल लगाते हो, याद रखो पावर रूल उस वक्त नहीं लगेगा जब पावर माइनस 1 है, इस बात को याद रखो, अगर पावर माइनस 1 है तो इंटीग्रेशन वाला पावर रूल आप नहीं लगा सकते, माइनस 1 के अलावा कोई भी पावर हो, माइनस 2 हो, माइनस 3 हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, लगा सकते हो, माइनस 1 पे आप पावर रूल नहीं लगा सकते, इस चीज को बस ध्यान में रखना। तो x टू द पावर p, अगर p माइनस 1 है तो पावर रूल नहीं लगेगा, ln वाला लगेगा, आप x को नीचे ले जाओगे और फिर ln वाला लगाओगे। तो यहां पर मेंशन किया हुआ है p माइनस 1 के बराबर नहीं है, और जब p माइनस 1 के बराबर ना हो, मतलब ये जो पावर है ये माइनस 1 के बराबर ना हो, तो अब आप पावर रूल लगा सकते हो, और पावर रूल क्या होता है, 1 ऐड करो नीचे भी आया प्लस सी, तो ये उसी वक्त होगा जब पावर माइनस 1 नहीं है। तो ये मेंशन देख लेना, अगर इसी सवाल में लिख देते कि p इक्वल टू माइनस 1 तो अब क्या होता, अगर p की वैल्यू माइनस 1 होती तो ये सिचुएशन बनती, x की पावर माइनस 1 को आप कैसे लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में ले जाओ x को, इस तरह लिख सकते हो ना। तो इस पे आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है x उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये हो जाता है ln x प्लस c। उस बात को याद रखो, जब पावर माइनस 1 होगी आप उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओगे और उस पे ln वाला फॉर्मूला लगा दोगे, हर केसेस में ऐसा होगा नहीं लेकिन एमसीक्यूज में आ रहा है तो ln वाला लग जाएगा उसके ऊपर, और अगर पावर माइनस 1 के अलावा कुछ है तो आप इस तरह पावर रूल लगा रहे हो। तो अच्छा पावर रूल की भी शर्त होती है, अभी आएंगे सवाल कि जो इधर चीज लिखी हुई है ना बेस, उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। अब अगर x लिखा हो, x का डेरिवेटिव 1 है, साथ मौजूद होता है, तो दैट्स व्हाई आप डायरेक्ट पावर रूल लगा लेते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, अगेन यार एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप देखो पावर साइन एक्स है, साइन का डेरिवेटिव कॉस मौजूद है, तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा e की पावर साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा 11 में देखो, ये फंक्शन गिवन है ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, और आगे उन्होंने मेंशन किया है कि इफ एन इक्वल टू माइनस 1, वही बात कि अगर एन माइनस 1 होगा तो अब आप पावर रूल ही लगाओगे, आप तो आपके बच्चे ऑप्शन नंबर सी को ठीक करके आ जाते हैं, पावर रूल लगा कर आ जाते हैं, सी भी वैसे ठीक नहीं है, ए मल्टीप्लाई करवाओगे आप, मतलब बी अगर ठीक होता उसमें प्लस सी अगर आता तो बी वाला ठीक मानते आप, लेकिन पावर रूल नहीं लगेगा इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि पावर माइनस 1 है, यहां पर माइनस 1 पे आप पावर रूल नहीं लगाते, तो जब माइनस 1 होता है उसको इस तरह सॉल्व करते हो, नीचे ले जाओ इसको, इस पे आप लगाओगे ln वाला फॉर्मूला, लेकिन देख तो लो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहां पे a आ रहा है क्योंकि b का डेरिवेटिव 0, ax का डेरिवेटिव क्या होता है, a होता है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव a है, ऊपर a मौजूद नहीं है ना, तो आप क्या करो a से मल्टीप्लाई करवा दो और डिवाइड करवा दो, अब जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, अब आप इंटीग्रेट करो, ये 1 अपॉन a अपनी जगह पे, ln जो भी डिनोमिनेटर में है वो लिखो प्लस सी, ये है ऑप्शन नंबर ए। 12 में अगेन ln वाला फॉर्मूला है, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, तो डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2x प्लस 2, अगर आप 2 कॉमन लो तो x प्लस 1, अब देखो x प्लस 1 तो ऊपर मौजूद है, बस 2 की कमी है ऊपर, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1, x प्लस 1 तो ऊपर मौजूद है, 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, अब जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ln वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर क्या होगा, 1 अपॉन 2 ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। अच्छा ये आपको किसी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, बाय द वे ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका, क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई हुई है,
चैप्टर 4 में मैंने आपको बताया था लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ऐसी चीज का लॉग निकालो जिसकी पावर लिखी हुई है, तो पावर को नीचे ले जाते हो, तो नीचे से ऊपर लेके भी तो जा सकते हो ना, रिवर्स में भी तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो ये 1/2 नीचे लिखा हुआ है, इस 1/2 को शिफ्ट करवा दो यहां पर, तो सेम चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हो, ln x2 + 2x और x2 + 2x की पावर क्या 1/2। अगर पावर 1/2 है, इसको आप इसको मतलब ये सिचुएशन बन गई है ना, ln x2 + 2x 1/2, अगर पावर 1/2 हो तो आपको पता है इसको आप रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ही है, तो सिंपल लैंग्वेज में ln स्क्वायर रूट x2 + 2x + c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। 13 में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, 6.11 का टॉपिक है, dy/dx = 1, आपने इसमें y की वैल्यू को निकालना है, तो y की वैल्यू किस तरह निकालोगे, dx को ले जाओ, ठीक है, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेट कर दो, तो dy का इंटीग्रल y, dx का इंटीग्रल x + c। वैसे dy का इंटीग्रल कुछ नहीं होता दरमियान, क्योंकि इंटीग्रल और dy इसकी कुछ सेंस नहीं है, दरमियान में आप 1 डाल देते हो, तो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y y होता है, और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x x होता है, और + c आप ऐसे लगा देते हो, ठीक है, तो y का आंसर क्या आ रहा है, y = x + c, ऑप्शन नंबर ए। 14 में लिखा हुआ है एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, भाई एंटी डेरिवेटिव इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो आप करते हो एंटी डेरिवेटिव याद है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपके पास एरिया आ रहा होता है, मतलब जनरलाइज बात कर रहा हूं मैं, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपके पास एंटी डेरिवेटिव आ रहा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 15 में यार देखो वही चीज थी जो अभी मैंने समझाई थी इधर x के साथ, ये वाला लिखा हुआ है x की पावर -1 का इंटीग्रल, तो x की पावर -1 पे पावर रूल आप नहीं लगा सकते, आप क्या करोगे इसको नीचे ले जाओगे, ठीक है, और 1/x का इंटीग्रल आपको पता है ln x होता है, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा ln x, ऑप्शन नंबर सी। 16 में लिखा हुआ है tangent 45, बच्चे इसको लिख देते हैं ln sec 45 + c, हालांकि tangent 45 कोई फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट है, tangent 45 1 होता है, तो यहां पे आप tangent वाला कुछ नहीं अप्लाई करोगे, tangent 45 1 के बराबर होता है, और आपको पता है 1 का इंटीग्रल क्या होता है x + c। इसी तरह बोर्ड एग्जाम में एक सवाल आया था, मैंने वो इसके इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यही वाला कॉन्सेप्ट है, साइन 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री को आप आंसर इसका माइनस कॉस 30 नहीं लिखोगे, इंटीग्रेट इस तरह नहीं करोगे आप साइन 30 का आंसर क्या होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का इंटीग्रल क्या होगा 1/2x, मतलब अगर आपके पास ये चीज आ जाए कि 1/2 को इंटीग्रेट करो, तो 1/2 को साइड पे करो, dx का इंटीग्रल x होता है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, तो जब कांस्टेंट होता है उसको आप बाहर निकालते हो, ये गलती नहीं करना कि साइन 30 लिखा हुआ है तो आप इसका आंसर माइनस कॉस 30 लिख दोगे, ये गलत हो जाएगा। 17 में लिखा हुआ है sec का इंटीग्रल बताओ, तो sec का इंटीग्रल होता है ln sec + cot, ऑप्शन नंबर sec + tangent, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। अच्छा इसका भी एक और फॉर्मूला होता है, वो भी आपको बुक में मिल जाएगा, ln पाई बाय 2 या पाई बाय 4 होता है, जाके देख लेना आप पेज नंबर 200 पे या 201 पे आपको मिल जाएगा, जैसे cosec के दो फॉर्मूले होते हैं ना, sec के भी दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उन्होंने sec का पहला वाला फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, दूसरा वाला फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं तो याद कर लेना उसको। 18 में बोला हुआ cosec स्क्वायर का इंटीग्रल बताओ, cosec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस cot, क्योंकि cot का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर का होगा माइनस cot, ऑप्शन नंबर बी। 19 जो है ना बच्चों, ये 6.7 का क्वेश्चन नंबर 4 का टॉपिक है, इसके सवाल और मैं डालना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा एक ही बात मैं बता दूं तो समझ आ जाएगी बच्चों को, कि अगर बाहर लिखा हो e की पावर x, अंदर आपके पास एक फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, अभी मैंने जनरलाइज बात की है, यहां पे लिखा हो ln x और यहां पे लिखा हो 1/x, आपको पता है ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, कुछ भी एक फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव साथ हो, यहां पे लिखा हो टेंजेंट और इसके साथ लिखा हो sec स्क्वायर, टेंजेंट का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो जनरलाइज बात किया कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, ठीक है, तो और बाहर e की पावर x हो, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है e की पावर x जो भी फंक्शन है ना वो लिखो प्लस c। तो ये 6.7 क्वेश्चन नंबर 4 में डिटेल में मैंने बातें बताई हैं, ऑप्शन नंबर सी। 20 में अगेन यार वही कॉन्सेप्ट है, ये पावर रूल की जनरलाइज फॉर्म लिखी हुई है कि एफ ऑफ एक्स की पावर एन, साथ लिखा हुआ है एफ ऑफ प्राइम मतलब उसका डेरिवेटिव डी एक्स, और शुरू में लिखा हुआ है अगर एन माइनस वन है
तो अगर आप माइनस वन पुट करोगे एफ ऑफ एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगी, उसको डिनोमिनेटर ले जाना, एग्जैक्ट ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। अभी ये जो अगर एफ ऑफ एक्स ऊपर होगा तो इसकी पावर माइनस वन होगी, आप इसको नीचे ले जाना तो प्राइम तो पहले से मौजूद था, इसको नीचे ले जाओगे डिनोमिनेटर में इस तरह आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जब आप एन की जगह माइनस वन पुट करोगे एग्जैक्ट ये चीज बन जाएगी, और इसका आंसर आपको पता है क्या होता है, एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। अगेन माइनस वन पे पावर नहीं लगाना, आमतौर पर बच्चे ऑप्शन नंबर ए को ठीक कर आ जाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो माइनस वन पावर होती है तो आपको एल एन वाला लगाना पड़ता है। 21 यार ये इंटीग्रल है, मुझे हैरत है कि ये पास्ट पेपर में आ चुका है, ये पास्ट पेपर का है तो नहीं क्योंकि ये सवाल बड़ा है, लेकिन इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, लेकिन वैसे मुझे हैरत हुई है कि ये दिया क्यों उन्होंने, पर आ गया तो उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। क्या है ये पार्शियल फ्रैक्शन है, 6.9 का टॉपिक है कि डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, आपने इंटीग्रेट करना है इसको। अब मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं, लंबा वाला तरीका देख लेना 6.9 में, केस वन का क्वेश्चन है और केस वन में आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। आसानी के लिए मैं dx को यहां पे लिख देता हूं और 1 को यहां 1 लिख देता हूं, यहां पे एक ही बात है। अब मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक जरा समझ लो, लंबा वाला तरीका आपको वहां पे मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर निकालना बता रहा हूं आपको कि किस तरह आंसर निकालोगे। सबसे पहले यहां पे आंसर में आप लिखोगे ln x plus 1, बस आप पहला फैक्टर के साथ ln x plus 1 लिखो, प्लस दूसरा क्या x plus 2 तो आप लिखो ln x plus 2। ये समझ लो आपने 70% आंसर निकाल लिए। अब इनके कोफिशिएंट आपको निकालने हैं बस, और प्लस सी, मतलब मैक्सिमम आंसर आपने निकाल लिए। क्या करना है सिंपल, पहला वाला फैक्टर ln लगाओ प्लस दूसरा वाला फैक्टर ln लगाओ और एंड पे प्लस सी लगा दो, बस ये काम तो आपने कर देना। उसके बाद कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, ये जो पहली चीज है इसका कोफिशिएंट कैसे निकालोगे। x प्लस वन को आप जीरो के बराबर रखो तो x की क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी माइनस वन। आप पूरी फ्रैक्शन में माइनस वन पुट कर दो, इसके अलावा इसमें माइनस वन पुट करोगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। इसके अलावा जिसको आपने जीरो के बराबर रखा था ना उसको छोड़ के बाकी पूरी फ्रैक्शन में एक्स की जगह पे माइनस वन पुट कर दो, तो ऊपर तो वन ही रहेगा, नीचे यहां पे माइनस वन पुट करोगे माइनस वन प्लस टू वन होता है, तो वन अपॉन वन वन सिंपल। फिर दूसरा फैक्टर है एक्स प्लस टू, इसको जीरो के बराबर रखो, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस टू। इस फैक्टर को छोड़ के पूरी फ्रैक्शन में एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दो तो ऊपर तो वन ही आएगा, यहां पे माइनस टू पुट करोगे माइनस टू प्लस वन माइनस वन होता है, ऊपर वन नीचे माइनस वन तो आंसर माइनस वन होगा, यहां पे आप माइनस वन पुट करो। ये सिंपल करना है। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले अलग अलग दोनों के साथ एल एन लगाया, उसके बाद ये टेक्निक अप्लाई की और कॉन्स्टेंट लिख दिया। अगर मजीद क्लियर करना है वीडियो को दोबारा देखो, इंशाल्लाह दोबारा क्लियर हो जाएगा। तो लिखो ना, वन लिखने की जरूरत नहीं है, इधर भी वन लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास आंसर आएगा और ये आपको आंसर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर सी ठीक नहीं है, ये ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी ये होना चाहिए था। मतलब एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना कि दो लॉग अगर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप उनको एक साथ इस तरह लिखते हो कि पहला वाला लॉग में जिसका ले रहे थे आप डिवाइडेड बाय जिसके साथ नेगेटिव साइन था, इसको इस तरह लिखो या इस तरह लिखो तो बात एक मानी जाएगी। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है ln p माइनस ln q वाली, ये बराबर होता है ln p अपॉन q के। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में इस तरह लिखा हुआ है ln x plus 1 divided by ln x plus 2, ये बात गलत है। यहां पे देखो एक लॉग है और ये डिवाइड हो रहे हैं, यहां पे दो लॉग आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये चीज गलत हो जाएगी। आप इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, ये दोनों ऑप्शन ठीक होंगे। तो उन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो ये ठीक है, पेपर में ये आ गया तो ये भी ठीक हो जाएगा। खैर इतना डिस्कशन करते हैं, ज्यादा नहीं करते। फिर टेंजेंट टू एक्स का आपने इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब आप इंटीग्रेट करते हो तो पावर का सॉरी एंगल का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है, तो 2 साथ लाने के लिए आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब जो एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, अब आप इसको इंटीग्रेट करो। टेंजेंट का इंटीग्रल होता है ln sec, ठीक है, तो 1 अपॉन 2 ln sec 2x, ऑप्शन नंबर बी यहां पे ठीक है। 23 में आपको बोला गया है कि 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रल करो, तो पावर रूल लगाओ, जो x स्क्वायर है वो ऊपर आके x की पावर माइनस 2 हो जाएगा, पावर रूल लगाओ माइनस टू में 1 ऐड करो, नीचे भी माइनस टू में 1 ऐड करो, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1 नीचे भी माइनस 1 प्लस सी। सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस सी। 24 में लिखा हुआ है x cot x स्क्वायर का इंटीग्रल निकालो, तो ये भी इजी है, अरेंज कर लो थोड़ा cot x स्क्वायर और x इस तरह में अरेंज कर लो।
अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए शर्त क्या होती है, एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए। एंगल यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। मौजूद क्या है, x, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। अब जो एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, दैट्स इट। अब आप इंटीग्रेट करो, 1/2 को अपनी जगह पे रखो। कॉट का इंटीग्रल होता है ln sin, जो इसका एंगल वही sin का एंगल। 1/2 ln sin x स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। और 25 एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 4 की पावर 3x। लेकिन ये वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी बेस e नहीं है, क्योंकि e में बड़ा इजी होता है कि पावर का डेरिवेटिव कंप्लीट कर लो। जैसे ही कंप्लीट कर लिया, अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज कॉपी कर दो। ये उस वक्त होता है जब बेस e हो, अगर e ना हो तो एक और काम भी करना पड़ता है, वो काम देख लो। थ्योरी में तो मैंने बताया था, लेकिन एमसीक्यू इस टाइप का आया नहीं है, मैंने जानबूझ के डाला है। सबसे पहली बात, जो पावर है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। पावर 3x है, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप इंटीग्रेट करो, 1/3 अपनी जगह पे। जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज कॉपी करो, ये तो आपने पहले भी देखा था। एक्स्ट्रा काम क्या है कि यहां पे आप डिवाइड करते हो ln, जो भी बेस लिखी हुई है, बेस 4 है तो आप लिखोगे ln 4। ये एक्स्ट्रा काम है। आप वहां पे भी करते थे, वहां पे ln e होता था, ln e 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पे ln 4 है तो आपको लिखना पड़ रहा है। तो ये इसका पूरा इंटीग्रल है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पे ठीक है। उसके बाद चैप्टर 7 है बच्चों। चैप्टर नंबर 7 में इतने ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बेसिक सी चीजें हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, सेंटर, रेडियस और कोऑर्डिनेट, बस बताऊं आपको। अगेन जो बोल्ड वाले हैं इसका मतलब वो पेपर में आ चुके हैं, और जो बोल्ड वाले नहीं है इसका मतलब वो अपनी तरफ से डाले में। तो टाइम कम है तो बोल्ड वालों की तैयारी कर लेना पहले, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा है तो बाकी भी कर लेना, और प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले एमसीक्यू लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर और डायमीटर। आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आपको सेंटर पता हो और रेडियस पता हो तो आप सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हो। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहां पे पुट करोगे और रेडियस आप यहां पे पुट करोगे, तो आपको पता है सेंटर यहां पे है 0, -5 पे, मतलब ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू -5 है। और डायमीटर जो है वो आपको दिया है 4। आपको पता है डायमीटर होता है 2 times ऑफ रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, 2। रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 होगा, ठीक है। तो रेडियस आपके पास आ गया, ए आ गया, बी आ गया, यहां पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 0 वाई। अच्छा एक है ये वाला माइनस, एक है बी का माइनस, तो माइनस माइनस पॉजिटिव और रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब फॉर्मूला ओपन करोगे होगा 10y + 25, इधर 4 होगा, तो सिंप्लीफाई करना, इधर आके 21 हो जाएगा ये। खैर इसमें तो सॉल्व नहीं किया हुआ, सॉरी ये वाला लिखा हुआ डायरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है यहां पे। मतलब 2 के स्क्वायर को सॉल्व करो, ये 4 हो जाएगा, 0 को यहां से हटा दो, सिंपल एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे ठीक है। 2 में बोला हुआ है दिस सर्किल हैज इट्स सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। बच्चों याद रखो, जिस सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसमें वाई वाली टर्म नहीं होगी। ये 3-4 बातें मैं बताने लगा हूं, जरा गौर सुनना। जिस सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसमें वाई वाली टर्म नहीं होगी, मतलब वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी लेकिन वाई वाली टर्म नहीं होगी, सिंपल वाई वाली। दूसरी बात, जिस सर्किल का सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर होगा उसमें एक्स वाली टर्म नहीं होगी, मतलब एक्स स्क्वायर होगा लेकिन खाली एक्स की टर्म नहीं होगी। तीसरी बात, जिस सर्किल का सेंटर ओरिजिन के ऊपर है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो आप तो उसकी इक्वेशन ये होगी। ये वो सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इसकी इक्वेशन होगी। और जनरल फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, मतलब उसमें एक्स और वाई की टर्म नहीं होगी। जब भी सेंटर ओरिजिन के ऊपर है एक्स और वाई दोनों की टर्म नहीं होगी। तो यहां पर देखो एक्स वाई की टर्म नहीं है, इसी तरह यहां पर भी देखो एक्स वाई की टर्म नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्स और वाई दोनों की टर्म मौजूद नहीं होगी जब सेंटर उसका ओरिजिन के ऊपर है, मतलब 0, 0 उसका सेंटर है। और चौथी बात, ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है जो मैं आपको बता रहा हूं, 6 है मैं खैर, में ये 4 parts एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं, इसमें आएंगे भी दोस्तों, मैं बता दूंगा कि मैंने पहले बता दिए। तो चौथा पॉइंट क्या है, अगर कोई सर्किल ओरिजिन से पास कर रहा है, तीसरा केस था कि सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, चौथा केस है कि वो खुद ओरिजिन से पास कर रहा हो, मतलब ये वाला केस है कि सेंटर ओरिजिन के ऊपर है जबकि ये वाले केस में सर्किल पास ही ओरिजिन से कर रहा है, तो ये दो अलग चीजें हैं। तो चौथा केस जब सर्किल ओरिजिन से पास करेगा, तो यार ये मैंने पहले भी बताई थी स्ट्रेट लाइन के अंदर
कि कोई भी कर्व जब ओरिजिन से पास करता है उसमें कॉन्स्टेंट नहीं होता, उसमें एक्स स्क्वायर नजर आ जाएगा आपको सर्किल के कॉन्टेक्स्ट में, मैं बात करूं वाई स्क्वायर नजर आ जाएगा, एक्स की टर्म नजर आ जाएगी, वाई की टर्म नजर आ जाएगी, लेकिन कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होगी वहां पर। तो उसका मतलब वो सर्किल ओरिजिन से पास कर रहा है। चार बातें हैं एमसीक्यूज में आएंगी तो जवाब दे देना। थ्री में बोला मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का भी बहुत आसान तरीका होता है, किस तरीके से निकालते हैं देख लो। सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन है ना उसको आप कन्वर्ट कर लो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1:1 हो, तो कैसे होगा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से करो, तो ये तो 1 हो जाएगा सिंपल, इस तरह ये भी 1 हो जाएगा और ये 5/2। ये आपने बिल्कुल जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जब ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका ये होता है कि उस पॉइंट को आप पुट कर दो इक्वेशन के अंदर और जो आंसर आए उसका रूट ले लो। 7.2 का टॉपिक है, तो पॉइंट यहां पे क्या है 3,1, तो आप x की जगह पे 3 पुट करो 3 का स्क्वायर, y की जगह पे 1 पुट करो 1 का स्क्वायर और कांस्टेंट जो है वो अपने जगह पे लिख दो। सिंपल लैंग्वेज में जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप पॉइंट पुट करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो 3 का स्क्वायर 9+1 5/2 अपने जगह पे, तो ये हो जाएगा 10+5/2 20+5 ये हो जाएगा 25/2। 25/2 का जब आप रूट लोगे 25 का रूट 5 और 2 का रूट रूट 2 ही रहने दो, तो 5/√2 ऑप्शन नंबर डी यहां पे ठीक है। अब अगेन वही जो मैंने बात बताई थी, 4 में पूछा है व्हिच ऑफ द सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो जिस सर्किल में कांस्टेंट नहीं होगा इसका मतलब ओरिजिन से पास कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में कांस्टेंट है, बी में कांस्टेंट है, सी में कोई कांस्टेंट नहीं है, डी में भी कांस्टेंट है, इसका मतलब सी वो सर्किल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। 5 में आपको बोला हुआ है सर्किल की इक्वेशन दी हुई है और आपको बोला हुआ है कि सेंटर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 24। तो सेंटर निकालने की बहुत ट्रिक बता देता हूं आसानी से, वरना आप कंपेयर करते थे जनरल फॉर्म से फिर सेंटर आ जाता। बड़ी आसान ट्रिक है, डायरेक्ट सेंटर आएगा। कैसे निकालोगे, एक्स का कोएफिशिएंट देखो, एक्स का कोएफिशिएंट है -6, -6 को -2 से डिवाइड कर दो, -6 को -2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो ये सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। वाई वैल्यू क्या है 8, 8 को डिवाइड कर दो -2 से, 8 को -2 से डिवाइड करो -4 आएगा, ये आपका सेंटर आ गया। तो कोई कंपेयर कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, एमसीक्यूज में बस जल्दी सॉल्व करो इसको, तो आंसर आ जाएगा 3,-4 ऑप्शन नंबर ए। 6 में आपसे रेडियस पूछा गया है, तो बच्चों जनरल फॉर्म में रेडियस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इस बार इक्वेशन में ना सी की जगह के लिखा हुआ है तो माइनस के आ जाएगा ऑप्शन नंबर। आमतौर पर बच्चे सी लगा देंगे यहाँ पे सी, अगर ऑप्शन देखो ना तो उसमें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने याद किया होगा, तो रट्टा नहीं मारना। अगर आप इक्वेशन देखो, इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस के लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में सी नहीं यूज किया, जनरल फॉर्म में के यूज किया हुआ है, तो आप भी फिर लकीर के फकीर ना बनो ना, रेडियस की रेडियस में भी के लिख दो आप सी की जगह पे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो यहाँ पर ठीक होगा, के की फॉर्म में रेडियस आएगा। 7 में लिखा हुआ है सेंटर निकालो इस सर्कल का, तो अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर कि लिखवाने की जरूरत नहीं है, इस सर्कल में आपको एक्स और वाई की टर्म नजर नहीं आ रही, तो मैंने बताया था इस फॉर्म में मौजूद है, मैंने बताया था जब एक्स और वाई की टर्म ना हो इसका मतलब सेंटर उसका ओरिजिन के ऊपर है, निकालने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 8 में लिखा हुआ है इक्वेशन विद सेंटर एट ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 2r। देखो आपको पता है ये सर्किल जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, ये उस सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है और उसका रेडियस आर है, ये उस सर्किल की इक्वेशन। तो उन्होंने बोला है सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड यही है, और रेडियस उसका 2r है, यहां पे रेडियस r था, जो भी रेडियस होता है उसका स्क्वायर करते हो ना, तो यहां पे रेडियस 2r है, तो आप किसका स्क्वायर करोगे 2r का स्क्वायर करोगे, और आपको पता है 2r का स्क्वायर क्या होता है 4r स्क्वायर। अच्छा यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पे ठीक हो जाएगा। अच्छा जी 9 में लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, यार अगेन लेंथ ऑफ टेंजेंट का सवाल है, पहले इक्वेशन थोड़ी छोटी सी अब थोड़ी इक्वेशन बड़ी है, मैं जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं बाकी आप लोग कर लेना। ये इक्वेशन लिखी हुई है ना 3x - 4y + 10, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब हर टर्म को आप 2 से डिवाइड कर दो ना, इसको 2 से डिवाइड करो खत्म, इसको 2 से डिवाइड करो खत्म, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, -4/2 क्या होता है -2,
तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो। अब आप सिंपल एक पॉइंट लिखा हुआ है 3.4, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, यहां पे 3 पुट करो 3 का स्क्वायर 9, यहां पे 4 पुट करो 4 का स्क्वायर 16, यहां पे 3 पुट करोगे ना तो ये 9/2 हो जाएगा, माइनस यहां पे 4 पुट करो y की जगह तो ये 8 हो जाएगा, और कांस्टेंट अपनी जगह पे आ गया। इस पूरी चीज आपके पास कैलकुलेटर होगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालो आंसर निकाल लो, पता नहीं 25 आंसर आ रहा होगा या 5/2 आ रहा होगा, देख लेना जो भी आंसर आ रहा होगा। 10 में देखा मैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हु सेंटर लाई वाई एक्सिस, मैंने बताया था भाई ऐसी इक्वेशन जिसका सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर होगा उसकी उसमें एक्स की टर्म नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें देखो एक्स की टर्म नहीं है, ए में भी है, सी में भी है, और डी में तो खैर सेंटर ओरिजिन पे है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहां पर ठीक है। 11 में लिखा है, अच्छा एक कंडीशन ऑफ टेंडेंसी होती है, 8.4 में आपने पढ़ा था चारों कर्व की आपने पढ़ी थी, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, लेकिन अगर आप सर्किल की बात करो तो सर्किल की कंडीशन ऑफ टेंडेंसी होती है सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1+m2, ये कंडीशन ऑफ टेंडेंसी होती है। अब यहां पे सी की वैल्यू निकाली हुई है, सी स्क्वायर नहीं है, सी है, तो आप रूट ले लो, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, रेडियस का स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर बच जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। 12 में लिखा है नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, दो बातें याद रख लो, कोई भी पॉइंट अगर सर्किल के बाहर है तो आप उससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, दूसरी बात वो दोनों टेंजेंट लेंथ में इक्वल होंगे, ये दो बात बतानी चाहिए, तो यहां पे तो खैर ऑप्शन नंबर बी ठीक है कि दो आप ड्रॉ कर सकते हैं। यार मुझे यूरिक एसिड का इश्यू है, दैट्स व्हाई मेरी एडी में दर्द होता है, इसलिए मैं बार बार हिलता रहता हूँ, तो अगर मसला हो तो बर्दाश्त कर लेना, मैं क्या करूं, लेट के बनाऊं वीडियो क्या। 13 में देखा हुआ टू सर्किल आर सेट टू बी कंसेंट्रिक सर्किल इफ दे हैव, दो सर्किल कंसेंट्रिक आप उस वक्त कहते हो जब उनके सेंटर सेम हो, ये 7.1 में भी है, 7.2 में भी इसका सवाल है, जब सर्किल कंसेंट्रिक होते हैं मतलब उनका सेंटर सेम होता है, रेडियस डिफरेंट होता है, तो सेम सेंटर ऑप्शन नंबर बी। 14 में बोला हुआ विच वन इज नॉट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, मैंने बहुत दफा बताया हुआ कि इनकी इक्वेशन पहचानने का तरीका क्या होता है, दोबारा बता देता हूं, सर्किल की इक्वेशन पहचानने का तरीका ये होता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, जैसे यहां पे आप दोनों के सेम है, दोनों के सेम है तो सर्किल की इक्वेशन है, अगर दोनों के डिफरेंट हो, साइन सेम हो बेशक, फॉर एग्जाम्पल ये हो 2x2+y2, साइन दोनों के सेम है, दोनों पॉजिटिव है लेकिन कोएफिशिएंट अलग है, इसका 2 है इसका 1 है, तो अब ये होता है इलिप्स। अगर कोएफिशिएंट सेम हो या डिफरेंट हो कोई शर्त नहीं है, लेकिन नेगेटिव हो, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब ये वाला केस है, आप इस देखो इसका कोएफिशिएंट 2 है इसका 1 है लेकिन साइन इनके अलग है, ये अब भी हाइपरबोला है, बेशक कोएफिशिएंट दोनों के सेम हो जाए ये अब भी हाइपरबोला रहेगा, हाइपरबोला में एक नेगेटिव होता है, पहचानने का बड़ा आसान तरीका है, या तो वाई स्क्वायर नेगेटिव है या एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, कोएफिशिएंट मतलब मैग्नीट्यूड दोनों के सेम हो या अलग हो वो मैटर नहीं करता हाइपरबोला में, असल चीज है कि नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब वो हाइपरबोला है। और चौथा कर रहा है पैराबोला, पैराबोला में पहचानने का तरीका क्या होता है कि उसमें या तो एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर होगा, पैराबोला की इक्वेशन में एट अ टाइम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं आ सकते, या तो एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, रोटेशन वाला पैराबोला उसमें आ सकते हैं लेकिन वो केस हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो आपकी बुक में नहीं है, एग्जांपल है उसकी एक, लेकिन खैर वो अलग बात है, लेकिन पैराबोला में या तो एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर होगा, तो इस तरह आप पहचानोगे। बहरहाल इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि कौन सा सर्किल की इक्वेशन नहीं है, आप देखो सेम किसके अंदर है, पहले में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है, दूसरे में भी सेम है, तीसरे में भी सेम है, चौथे में देखो सेम नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और वाई स्क्वायर का 2 है, इसका मतलब वो सर्किल नहीं है, इलिप्स है, बाय द वे। 15 में बोला हुआ विच पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल, सर्किल के जो इनसाइड लाए करेगा पॉइंट, कैसे पता चलेगा, आप पॉइंट को पुट करना इक्वेशन के अंदर, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो इनसाइड है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब आउटसाइड है, जैसे ये इक्वेशन है, पहले सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आना उसके बाद पुट करना, ये इक्वेशन है, आप क्या करो आप इसके अंदर पॉइंट पुट करो, तो पॉइंट पुट करो, फॉर एग्जांपल पहला वाला पॉइंट पुट करो, अभी सवाल नॉर्मली आप लोगों के एमसीक्यूज में नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर ऑप्शन नंबर ए ठीक नहीं है, यहां पे तो खैर ऑप्शन नंबर ए ठीक है, आप पुट करो एक्स की जगह -1, वाई की जगह पुट करो -2 -1, तो ये हो जाएगा 2 4 2 जाएगा 8, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -8 -1,
तो ये हो जाएगा पूरा -12 और ये होगा 10। डेफिनेटली आंसर नेगेटिव आ रहा होगा, इसका मतलब ये पॉइंट इनसाइड लाइक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 8 है, अगेन जो बोल्ड हुए हैं उनका मतलब पेपर में आ चुके हैं, जो बोल्ड नहीं है इसका मतलब पेपर में नहीं आए वो। और चैप्टर नंबर 8 में फॉर्मूले काफी हैं, टेबल्स काफी हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, एमसीक्यूज बड़े इजी आते हैं, लेकिन यार आपको अगर टेबल याद है, कॉन्सेप्ट याद है, तभी आप इनको कर सकते हो, वरना मुश्किल लगते हैं बच्चों को। लेकिन चीज बड़ी बार बार रिपीट हो रही है, लाइक एक एमसीक्यू है सेंट्रिसिटी का, वो कोई 5 से 6 दफा आया पास पेपर में, तो मैंने 2-3 दफा लिखा है, बाकी मैंने स्किप कर दिया, मैंने कहा एक ही बात बार बार मैं क्यों डिस्कस करूं। बल तो टेबल अगर आपको बेसिक आती है ना चैप्टर नंबर 8, तो आप एमसीक्यू आसानी से कर लोगे, बहुत मुश्किल नहीं आते, लेकिन चैप्टर 8 अगर आपको आता होगा तब आप करोगे। बल सबसे पहले आपके पास एक इलिप्स गिवन है, आपसे बोला है सेमी लेटर सेक्टम बताओ। तो देखो जो इलिप्स में लेटर सेक्टम की लेंथ होती है 2b² / a, इलिप्स में भी और हाइपरबोला दोनों में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम यही है। यहां पे बोला है सेमी लेटर सेक्टम, सेमी का मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ना तो आंसर आएगा b² / a, तो b² / a ये लेंथ हो जाएगी सेमी लेटर सेक्टम, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा अभी 2 में बता देता हूं, ये कंडीशन कहलाती है b² = a² - c², ये कंडीशन होती है इलिप्स की, याद रखना इस बात को। इस चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हो, अब ये कहां से आई, क्योंकि c की वैल्यू होती है ae, c जो है ना ये बराबर होता है ae के, अगर यहां पे आप c की जगह ae पुट करोगे तो ये हो जाएगा a² e², आप a स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन जो है ये दोनों तरीके से पूछी जा सकती है, ये एलिप्स की कंडीशन होती है ठीक है, और सेम इसी टाइप की हाइपरबोला में होती है, बस थोड़ा सा फर्क है, जैसे a² - c² है ना, हाइपरबोला में होता है c² - a², और जैसे ये 1 - e² है, हाइपरबोला में होता है e² - 1, तो ये दोनों कंडीशन होती है हाइपरबोला की ठीक है। इसी तरह जो पहली कंडीशन लिखी हुई है इसकी छेड़खानी भी कर सकते हैं, मे बी इसमें a² की वैल्यू पूछ लें, तो -c² को उधर ले जाओ, a² बराबर होगा c² + b², अभी भी इलिप्स की कंडीशन है, मे बी c² का पूछ लें तो c² बराबर हो जाएगा a² - b², अभी भी इलिप्स है। इसी तरह हाइपरबोला में भी छेड़खानी कर सकते हैं, हाइपरबोला में c² किसके बराबर होता है, इसको उधर ले जाओ, a² + b² के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये कि मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, उसको बस याद कर लो, और उसके बाद अगर डिफरेंट केस आएंगे तो आप आसानी से कर लेना ठीक है, कॉन्सेप्ट हासिल कर लो। पेन थोड़ा हल्का है, ये नया पेन है, लेकिन चलो गुजारा कर लेते हैं इससे। तो ये मैंने आपको बता दी एमसीक्यूज एक आया था, एमसीक्यूज नंबर 2 में इलिप्स की बात, इलिप्स की कंडीशन है वो, तो ये मैंने आपको ओवरऑल सब बता दिया। इसी तरह 3 पे आ जाओ, 3 में यार बहुत दफा एक ही बात बार बार पूछते हैं वो डिफरेंट तरीके से, तो मैं एक ही दफा बता देता हूं भाई, इसेंट्रिसिटी अगर 1 हो तो ये होता है पैराबोला, अगर इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के दरमियान है, अब 0 और 1 के दरमियान बहुत डिफरेंट तरीके से आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 1/√2, 1/√2 कैलकुलेटर में सॉल्व करना 0 point something कुछ आ रहा होगा, मतलब 0 और 1 के दरमियान है ना। अच्छा इसी तरह 0 और 1 के दरमियान मैं बोल दूं 1/e कैलकुलेटर में, e मतलब ऑयलर नंबर 2.71, e एसेंट्रिसिटी वाला नहीं है, तो 1/e सॉल्व करना कैलकुलेटर में 0 point something आंसर आ रहा होगा, 0.34 या कुछ आ रहा होगा, तो अब भी एलिप्स की सेंट्रिसिटी है। 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर हो, जिस तरीके से बोला जाए 1/√3, 1/√3 भी 0 और 1 के दरमियान होगा, ये सब सेंट्रिसिटी एलिप्स की है। इसी तरह 0.5 बोलते हैं, 0.8 बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं, इन सब के आंसर 0 और 1 के दरमियान आ रहे हैं। तो तभी मैंने बोला एक जनरल कंडीशन मैंने बता दिया आपको, 0 और 1 के दरमियान हो तो वो एलिप्स होता है। अब जिस भी अंदाज से पूछ ले आप समझदार होते हैं, और अगर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो ये होता है हाइपरबोला। अब अगेन ग्रेटर देन 1 बोलने के डिफरेंट तरीके हैं, √2 का आंसर 1.4 something होता है, ये सेंट्रिसिटी है हाइपरबोला की, ऐसे √2 तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी होती है। अच्छा इसी तरह √3 आ रहा है, √3 हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी है क्योंकि 1 से ग्रेटर है, 2 आ जाए, अगेन 2 1 से ग्रेटर ही है, तो 1 से ग्रेटर डिफरेंट किस्म की वैल्यू आ सकती है आपके पेपर में, तो याद रखो 1 से ग्रेटर हो तो हाइपरबोला। वैसे 3 में बोला होता है अगर 1 से कम हो, तो 1 से कम हो तो आपको पता है एलिप्स की सेंट्रिसिटी होती है, ऑप्शन नंबर 3। 4 में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला, अब ये भी मैं एक आपको चीज बता रहा हूं, ये एमसीक्यूज बार बार आएगा तो मैं अभी से क्लियर कर रहा हूं। पैराबोला की इक्वेशन होती है ये वाली x² = 4ay, या होगी y² = 4ax, या पैराबोला की इक्वेशन होगी
y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h, जब पैरेलल के केस होते हैं, या होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax y माइनस के। ये चार किस्म की होती है। कहने का मतलब ये पूछा जाता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालो। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? वैल्यूज आप कुछ अलग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं चेंज करता हूं, इसको कर देता हूं y माइनस टू का होल स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल इसको 3 कर लेते हैं, और यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल माइनस 8। इसी तरह इस एग्जाम्पल में कर देता हूं 2, इसको कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल प्लस 4, और यहां पर मैं लिख देता हूं 32। इसी तरह एग्जाम्पल को मैं कर देता हूं 45, इस एग्जाम्पल को मैं कर देता हूं माइनस 2। कहने का मतलब यह है कि लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालोगे। जनरल फॉर्म में तो आपको पता है लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, 4a की एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव होती है। जनरल फॉर्म में तो आपको पता है कि लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला का होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4a, के जनरल फॉर्म की बात करूं। अगर कोई स्पेसिफिक इनमें से कोई भी इक्वेशन आ रही है और आपको बोला जाए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ, तो बहुत इजी तरीका है। अगर ऊपर के दो केस आ रहे हैं तो लेटेस्ट रेक्टम किस तरह बताते हो? भाई जो भी वाई के साथ लिखा हुआ वो लेटेस्ट रेक्टम है। यहां पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है? 45। जो भी एक्स के साथ लिखा हुआ है पॉजिटिव कर लेना उसको, लेंथ नेगेटिव नहीं होती ना। तो एक्स के साथ यहां पे माइनस 2 लिखा हुआ है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? 2 होगा, मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी यहां पे? 2 के बराबर। इसी तरह अगर ये पैरेलल के दो केस आ रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे, जो इस टर्म के साथ लिखा हुआ है ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, पॉजिटिव कर लेना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहां पे क्या है? 8 है। और जो यहां पे लिखा हुआ है अगेन वही कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है? 32 है। तो एक ही बात अगर पूछेंगे तो आप ध्यान में रखना इस बात। खैर 4 में तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अच्छा 5 में चलो साथ साथ वर्टिस की भी बात कर लेते हैं। आपके पास इस दो टाइप की इक्वेशन आ सकती है, या तो इसमें बोलेंगे देखो शुरू के दो केसेस में वर्टेक्स 0,0 पे होता है, अगर इस टाइप की इक्वेशन आए तो सिंपल वर्टेक्स 0,0 पे है पैराबोला का। लेकिन अगर ये दो टाइप की इक्वेशन हो, इसमें वर्टेक्स कैसे निकालोगे? वर्टेक्स निकालने का तरीका डायरेक्ट बताऊंगा, कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप की इक्वेशन है या इस टाइप की इक्वेशन है कोई फर्क नहीं है, एक्स और वाई को आपने देखना है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? आप देखो एक्स की टर्म को, एक्स के साथ जो भी चीज लिखी हुई है वैल्यू उसको लिख दो। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? 3, आप 3 लिख दो। अगर नेगेटिव के साथ है तो आप पॉजिटिव ही लिखो, और अगर पॉजिटिव के साथ होगा तो आप नेगेटिव लिखोगे, ठीक है? तो x के साथ जो भी चीज लिखी हुई है वो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, माइनस के साथ था तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया यहां पे। उसके बाद y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा वर्टेक्स का? जो y के साथ लिखा हुआ है, यहां पे y के साथ क्या लिखा हुआ है? 2, तो आप 2 लिख दो। नेगेटिव के साथ है तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया इसमें। तो कहने का मतलब ये कि आपकी पैराबोला की इक्वेशन में जो x के साथ लिखा होगा वो होगा x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का, और जो y के साथ लिखा होगा वो होगा y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का। अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो पॉजिटिव भी कंसीडर करोगे, अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो आप नेगेटिव कंसीडर करोगे। इस पे आदत है, वीडियो पॉज करके खुद करो, प्रैक्टिस होगी आपकी। बारन एक्स कोऑर्डिनेट कैसे होगा? एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? 2, तो आप 2 लिख दो। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई के साथ क्या लिखा हुआ है? 4, लेकिन पॉजिटिव के साथ है तो आप नेगेटिव कर। तो इस वाले केस में वर्टेक्स 2,-4 है, इस वाले केस में वर्टेक्स 3,2 है, और जो सवाल में एग्जांपल लिखी हुई है उसमें क्या होगा? एक्स के साथ 1 लिखा हुआ है और y के साथ 2 लिखा हुआ है लेकिन पॉजिटिव के साथ, तो माइनस 2 करो। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एमसीक्यू नंबर 5 में देखो मैं डिटेल आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने आपको कि एक एग्जांपल पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। अब चेंज करें वैल्यू, गलत करोगे क्या बोलोगे? 6 में लिखा हुआ डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ द इलिप्स। भाई फोसाई के दरमियान डिस्टेंस, इलिप्स में भी 2c होता है, हाइपरबोला में भी 2c होता है, इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस 2a होता है, इलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी, ठीक है? 7 में बोला है सेंटर ऑफ इलिप्स, या जो इलिप्स इस टाइप के होते हैं ना जिसमें ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये वाला केस ना हो, मतलब एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 25 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9 फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो इलिप्स है ना इसमें सेंटर आप निकालना पड़ता है आपको। लेकिन यहां पर जो इलिप्स लिखा हुआ है ना उसमें जस्ट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये वाली टर्म नहीं है, जस्ट एक्स स्क्वायर है और जस्ट वाई स्क्वायर है। तो ये अगर आपको याद हो इलिप्स के टेबल जो मैंने बताए थे ना उसमें शुरू के दो कॉलम है तो उसमें सेंटर 0,0 पे होता है। जब भी ऊपर सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है या सिर्फ वाई स्क्वायर लिखा हुआ है उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो सेंटर आपके ओरिजिन पे होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे ठीक है, सेंटर ओरिजिन के होता है।
अगर एलिप्स की इक्वेशन इस टाइप की लिखी हुई है तो अब सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता और इसका भी सेंटर निकालना वही तरीका है जैसे आप यहां पर निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप की इक्वेशन आ जाए और आपको बोला जाए सेंटर निकालो, तो वही कॉन्सेप्ट है। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा जो वाई के साथ लिखा हुआ है। पॉजिटिव लिखा हुआ तो नेगेटिव कर दो, ये सेंटर आ गया। तो एलिप्स का सेंटर और पैराबोला का वर्टेक्स सेम ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे पैराबोला के शुरू के दो केसेस में वर्टेक्स 0.0 होता है, इसी तरह एलिप्स के भी शुरू के दो केसेस में। कैसे पता चलेगा? जिसमें ऊपर जस्ट एक्स स्क्वायर होगा या जस्ट वाई स्क्वायर होगा, तो उसमें सेंटर ओरिजिन के ऊपर 0.0 होता है। अगर एक्स के साथ कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, होल स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है, तब इसके सेंटर निकालने का वही तरीका है जैसे इसके वर्टेक्स निकालने का। तो देखो अब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, तो बहरहाल इसमें 0.0 राइट ऑप्शन है। 8 में आपसे हाइपरबोला के अंदर सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो हाइपरबोला के अंदर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी इसको ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड आपको दो बातें पता होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि ए बराबर होता है बी के, और दूसरी बात पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी रूट टू होती है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से। एक तीसरी बात भी होती है कि एजेंटोड्स परपेंडिकुलर है, लेकिन वो एमसीक्यू में बोलते नहीं, मैं लिखवा देता हूं कि एजेंटोड्स। अब जिस बंदे को नहीं पता भाई वो चैनल जाके विजिट कर ले, मेरा उसमें बताया है। एजेंटोड्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तीन बातें होती हैं, नॉर्मली दो बातें एमसीक्यू से पूछते हैं, तो बहरहाल इसेंट्रिसिटी रूट टू होती है, ऑप्शन नंबर बी। 10 में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, भाई बहुत दफा मैंने बताया था, यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 28y, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी 28, माइनस को इग्नोर कर देना, ऑप्शन नंबर बी। 11 में आपसे एक चीज पूछी गई है, तो ये हाइपरबोला की होती है कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी। 12 में अगेन वही इसेंट्रिसिटी 1/√2, 1/√2 का आंसर 0. समथिंग आ रहा होगा, मतलब इस रेंज के अंदर होगा, तो इसका मतलब ये एलिप्स की इसेंट्रिसिटी है। 13 में आपसे अगेन वर्टेक्स पूछा गया, लेकिन इसमें थोड़ी चेंजिंग है, तो मैं बता देता हूं, ये पैराबोला गिवन है, ठीक है, मतलब इसका और इसका मिक्सचर है ये आप कह लो, तो आप वर्टेक्स कैसे निकालोगे? देखो अगर यहां पे एक्स के साथ कोई चीज लिखी हुई है ना, मतलब ये वाला केस तो नहीं है ना कि जस्ट 2x लिखा हुआ है, नहीं, एक्स के साथ कोई चीज लिखी हुई है यहां पे, तो फिर आप यहां पे भी वाई के साथ लिख दो, क्या लिखो वाई के साथ 0, इस तरह लिख दो, ताकि वो जो मेथड मैंने बताया वो आपका आराम से अप्लाई हो जाए। अब आप वर्टेक्स निकालो, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 2, लेकिन पॉजिटिव के साथ है तो नेगेटिव लगा दो, और वाई के साथ क्या लिखा हुआ है 0, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा -2.0, ऑप्शन नंबर बी। 14 में आपको इलिप्स दिया हुआ है और आपसे बोला हुआ है डायरेक्ट्रिसेस की आप इक्वेशन निकालो, डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन कैसे निकालोगे? निकालने की जरूरत नहीं, याद होनी चाहिए आपको, इलिप्स में हाइपरबोला में दोनों कर्व में डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, ठीक है, और ये एलिप्स का पहला कॉलम वाला केस है, मतलब जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, अगर मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होगा तो बस इक्वेशन में ये फर्क पड़ेगा, वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, ऑप्शन नंबर यहां पे सी, ठीक है। 15 में अगेन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोली हुई है, तो मतलब यहाँ पे -8 लिखा हुआ है, बल्कि एग्जैक्ट ये चीज लिखी हुई है, मतलब वैल्यू चेंज है लेकिन यहाँ पे -8 लिखा हुआ है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी 8 के बराबर हो जाएगी, माइनस को इग्नोर कर देना। 16 में लिखी हुई लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑन ऑफ एलिप्स, अगर आपके एक एलिप्स गिवन है ना, तो याद रखो जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो ए स्क्वायर होता है, और एलिप्स के अंदर बात बता रहा हूं, जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो ए स्क्वायर और जो छोटा डिनोमिनेटर है वो बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आप ले रहे होते हो, ए स्क्वायर 16 है तो ए 4 हो जाएगा। सवाल ये कि मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, तो a अगर 4 है तो 2a क्या हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा, तो मेजर एक्सिस की लेंथ 8 है। 17 में बोली भी है कि ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0, वो कह रहे हैं कि ये इक्वेशन एलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगी, ये सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है विदाउट रोटेशन, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में रोटेशन वाले केस भी होते हैं, आपकी बुक में वो नहीं है, तो अगर रोटेशन ना हो ना, मतलब इस तरह बने, अगर मैं इसको यूं कर दूं, ये रोटेशन वाला केस है, आपने कभी पैराबोला या हाइपरबोला इस तरह का नहीं देखा होगा, या तो इस तरह होता है या इस तरह होता है,
कभी यू नहीं देखा आपने, रोटेशन के केस होते हैं, रोटेशन में एक्स वाई वाली टर्म दी आती है, तो यहाँ पे तभी एक्स वाई वाली टर्म नजर नहीं आ रही क्योंकि रोटेशन वाला केस नहीं है, विदाउट रोटेशन है ये। तो ये जनरल आपको इक्वेशन होती है, जितने आपने कर्व देखे सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इनमें पांच टर्म ही होती है, ठीक है, पैराबोला में एक कम होती है। हाँ, वही चीज बतानी है कि ये इक्वेशन पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी। मैंने पैराबोला के बारे में चैप्टर 7 में आप लोगों को बताया था कि पैराबोला की इक्वेशन में या तो एक्स स्क्वायर होता है या वाई स्क्वायर होता है, बैक वक्त दोनों टर्म नहीं होती। तो अगर आपने इसको पैराबोला की इक्वेशन बनानी है तो आपके पास दो केसेस हैं कि ए होगा नॉट इक्वल टू जीरो और बी को जीरो कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म को रखो, ए को नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ए पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जबकि बी को जीरो कर दो मतलब वाई स्क्वायर वाली टर्म खत्म कर दो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वाई स्क्वायर वाली नहीं है, तो अभी ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, या ए को जीरो कर दो बी को नॉट इक्वल टू जीरो कर दो, मतलब वाई स्क्वायर की टर्म रखो एक्स स्क्वायर की खत्म कर दो, दोनों कंडीशन में पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपने देखना सवाल में कौन सी कंडीशन दी है ना, तो सवाल में बी को तो छोड़ ही दो, बी में लिखा हुआ है कि दोनों ए और बी जीरो है, डी को भी छोड़ दो, उसमें लिखा हुआ है ए और बी दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है, वो पैराबोला नहीं होगा। सी में लिखा हुआ है ए और बी आपस में बराबर नहीं होंगे, गलत। ऑप्शन नंबर ए ठीक है कि ए जीरो मतलब ये वाली चीज लिखी हुई है, ठीक हो जाएगा। 18 में आपको बोला वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला के वर्टिसेस कैसे निकालोगे, एग्जैक्ट इक्वेशन है यहां पे माइनस है और यहां पे फोर है। सवाल ये कि हाइपरबोला में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो हाइपरबोला में जो पॉजिटिव वाली टर्म होती है उसका डिनोमिनेटर ए स्क्वायर होता है, तो ये नेगेटिव वाली टर्म है ये पॉजिटिव वाली टर्म है, तो जो पॉजिटिव वाली टर्म है उसका डिनोमिनेटर ए स्क्वायर और जो नेगेटिव वाली टर्म है उसका डिनोमिनेटर बी स्क्वायर। बट यहां पे बी स्क्वायर की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको वर्टिसेस निकालने हैं और हाइपरबोला और एलिप्स में वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा जीरो क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस वाला केस है, तो ए स्क्वायर 16 है, ए हो जाएगा 4, तो वर्टिसेस कहां पे हो जाएंगे, प्लस माइनस 4 कॉमा जीरो पे, ऑप्शन नंबर डी। 19 में बोला हुआ इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको फोकस और वर्टेक्स गिवन है, वर्टेक्स 0.0 पे, फोकस को अगर आप देखो ना तो ये फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब पैराबोला का पहला वाला कॉलम जो है ना टेबल का वो है कि व्हेन एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो पैराबोला की ये इक्वेशन होती है, ठीक है। फोकस 3.0 ना, तो फोकस देख के मुझे पता चला कि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मैंने ये इक्वेशन लेट कर ली है। अब सवाल ये कि इसमें ए कैसे आएगा, ए आपको फोकस से पता चलेगा, ये जो फोकस में 3 लिखा है ये ए की वैल्यू है, तो यहां पे 3 पुट कर दो आप, तो इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल 12x। ये आपको 8.1 में शुरू के क्वेश्चन नंबर 1 होगा या 2 होगा उसमें पार्ट लिखे होंगे, उसमें इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे आपको। 20 में बोला हुआ सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, 21 में बोला हुआ था सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन, ये पैराबोला की डेफिनेशन होती है कि पैराबोला के में जितने पॉइंट होते हैं वो फिक्स लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स पॉइंट फोकस डिस्टेंस सेम होता है उनका, इक्विडिस्टेंस होते हैं, पैराबोला ऑप्शन नंबर बी। 22 में बोला हुआ है, अच्छा ये जो 22 एमसीक्यूज है ना ये 7 चैप्टर जब स्टार्ट होगा ना तो आपको कुछ कोन नजर आएंगे, कोन को काटा हुआ होगा, तो ये प्योर वहां का टॉपिक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो भाई मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ जाके देख लो, वरना आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। ये एमसीक्यू पेपर में आया नहीं है लेकिन बुक का पूरा है, आ भी सकता है इसलिए मैंने डाल दिया है कि इफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन इज पैरेलल टू अ जनरेटर, अगर जनरेटर के बिल्कुल पैरेलल आप उसको कट करोगे तो वो पैराबोला बनता है। अब ये जनरेटर क्या होता है, किसको कट करना है, सब बातें वहां पे लिखी हुई है। कोन को आप पैरेलल टू जनरेटर अगर कट करो तो आपके पास पैराबोला बनता है, अभी वहां पे देखना तो आपको बात समझ आ जाएगी। 23 में आपसे कंडीशन ऑफ टेंडेंसी पूछी गई है स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की, तो 8.4 में मैंने बताया था आप लोगों को कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या होती है, सी इक्वल टू ए अपॉन है, पैराबोला और अगर स्ट्रेट लाइन आपस में टेंजेंट है तो टेंजेंसी की कंडीशन होती है सी इक्वल टू ए अपॉन है, ऑप्शन नंबर बी। 24 में बोला सर्कल हूज डायमीटर ऑलवेज बी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन होती है, ऑक्सिलरी सर्कल वो सर्कल होता है जिसमें डायमीटर जो है वो मेजर एक्सिस के बराबर होता है। 25 में बोला हुआ है कि हाइपरबोला अगर रेक्टेंगुलर है, तो मैंने बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए बराबर होता है बी के, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे ठीक है। उसके बाद चैप्टर 9 है बच्चों, चैप्टर नंबर 9 में अगेन वही बात कि जो बोर्ड हुए हैं वो पास्ट पेपर में आ चुके हैं, जो उसके अलावा है तो मैंने अपनी तरफ से डाले, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और बस बेसिक बातें हैं, बाकी देखते हैं।
सबसे पहले एमसीक्यू बहुत फेवरेट है, लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। देखो याद रखो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो के बराबर है। इसको डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हो, जब डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर। एक एमसीक्यू ये बन सकता है। दूसरा एमसीक्यू जो इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर ए बी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, ये दूसरा एमसीक्यू है। तीसरा एमसीक्यू, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा, वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, पाई बाय 2, 90 डिग्री, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एक ही बात को तीन तरीके से पूछते हैं, तो मैंने एक ही एमसीक्यू आपके बता दिए भाई, एक ही है सब कुछ, ठीक है। टू में लिखा हुआ पोजिशन वैक्टर, किसी भी पॉइंट का अगर पोजिशन वैक्टर लिखना है ना तो उसको लिखने का तरीका होता है ओपी। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ए है, इसका पोजिशन वैक्टर लिखना है तो इसका पोजिशन वैक्टर लिखने का तरीका होगा ओ ए। अगर एक पॉइंट पी है उसका पोजिशन वैक्टर होगा ओपी, ऑप्शन नंबर बी। ओपी ऑप्शन नंबर सी नहीं ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी में मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, नहीं वो ठीक नहीं, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। थ्री में आपको ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी क्रॉस सी, इसको आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हो। अब इसमें आपने देखना होता है आपने किसको बाहर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आप बी को बाहर निकालना चाह रहे हो, जैसे ए बाहर आया ना, फॉर एग्जाम्पल बी को बाहर निकालना चाह रहे हो तो बी को बाहर निकाल दो, होगा क्या, ये जो सी है ये बी की जगह पे आ जाएगा और ए उठ के सी की जगह पे चला जाएगा, क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करते हैं, तभी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो जब आपने बी को बाहर निकाला तो सी बी की जगह पे आ जाएगा, ए सी की जगह पे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब इस फॉर्मूले को डिस्कस कर लो या इस फॉर्मूले को कर लो, टेक्निक वही है, जो बाहर निकलता है ना अंदर जो रह जाता है वो दूसरे की पोजिशन ले लेता है और जो बाहर वाला है वो उसकी पोजिशन ले लेता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। चाहे आप ये डिस्कस करो चाहे आप ये डिस्कस करो, अगर आपने सी निकालना है तो सी कैसे निकालोगे, सी को बाहर निकालो, ठीक है, ए जगह ले लेगा सी की, इसको इधर ले आओ। तो ये तीन तरीके से आप इस बात को लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या पूछा है, देखो आप इसको इस तरीके से लिखो या आप इसको इस तरीके से लिखो, यही है ना, नहीं एक सेकेंड, इसमें अगर आप देखो सी को बाहर निकाला है, हाँ इसमें यह बात पूछी गई है, मतलब ये आपको दिया है आपको पता है ये वाली चीज इसके बराबर भी है ये वाली चीज इसके बराबर भी है, तो ये एक ही बात है। तो असल जो मुझे बात बताई थी ना वो ये थी कि ऑर्डर मैटर नहीं करते, आप ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो या बी क्रॉस सी डॉट ए लिखो, ये एक ही बात है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कमोटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट में इस तरह लिखो या इस तरह लिखो बात एक ही होती है। तो बहरहाल एमसीक्यूज में उन्होंने पूछा ये था, ऑप्शन में आपको ये नजर आ रहा है, मतलब इसी चीज को उन्होंने उल्टा कर दिया, इस तरह कर दिया, सी बाद में आ गई, कोई मसला नहीं है, मैंने बताया एक ही बात होती है, इस तरह लिखो या इस तरह लिखो बात एक ही है। तो ये वाली चीज इसके बराबर भी है और इसको लिखने का एक और तरीका ये भी है, और इसको बहुत ही रफ फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ है कि ब्रैकेट नहीं लगाई हुई, तो रिस्क ही होता है, ब्रैकेट नॉर्मली हम लगाते हैं लेकिन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, कहने का मतलब इतनी मेहनत लगी है समझाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर ठीक है। फोर में लिखा हुआ है थ्री वर्टिसेस ए बी सी आर कोप्लैनर, याद रखो इन्हीं चीज को ब्रैकेट में लिखने का, ये बाय द वे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, 9.6 का टॉपिक है, इसी चीज को इस तरह भी आप लिखते हो ए बी सी, और इसको मैट्रिसेस फॉर्म भी है, डिटरमिनेंट फॉर्म के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, उस तरह भी आप लिख रहे हो, तो तीनों तरीके से। वाल जब वेक्टर आपके को प्लेनर हो ना तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जीरो के बराबर होते हैं, तो इस फॉर्म में आ जाए तब भी जीरो, इस फॉर्म में आ जाए तब भी जीरो, जब वेक्टर को प्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, ऑप्शन नंबर सी। फाइव में लिखा हुआ डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन एक टॉपिक है डिस्कस किया हुआ मैंने, जाके आप लोग देख सकते हो वेक्टर्स में, निकालने का तरीका मैं बता देता हूं। अगर एक वेक्टर आपके पास लिखा, फॉर एग्जांपल ए नाम दे देते हैं, वेक्टर क्या है आई प्लस जे प्लस के, मतलब आई के साथ भी वन, जे के साथ भी वन, के साथ भी वन है, सब कॉम्पोनेंट वन 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 है इसके, और आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सिंपल तरीका आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो आप यूनिट वेक्टर निकाल लो, जैसे यूनिट वेक्टर आएगा आपके पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है आई के साथ जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर करो, जे के साथ लिखा हुआ उसका स्क्वायर, के साथ लिखा हुआ उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट थ्री, मैग्नीट्यूड आ गया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ओपन करके देखो तो ये होगा वन अपॉन रूट थ्री आई, वन अपॉन रूट थ्री जे, वन अपॉन रूट थ्री के, एलसीएम लेते हैं। तो जैसे ही आप यूनिट वेक्टर निकालते हो तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन आ गया, आई के साथ जो लिखा हुआ है डायरेक्शन कोसाइन है, जे के साथ जो लिखा हुआ डायरेक्शन कोसाइन, इसके साथ लिखा हुआ डायरेक्शन कोसाइन।
तो यहाँ पे डायग्राम को साइन तीनों क्या है, 1/√3, 1/√3, 1/√3, ऑप्शन नंबर डी। सिक्स में लिखा हुआ यूनिट वेक्टर, तो अभी यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका बताया आपको, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सेवन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, अभी मैग्नीट्यूड बताया आपको, वेक्टर क्या है 1 √3 − √5। वेक्टर को ये मतलब ये वाली चीज जो है ना, इसको आप ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, वेक्टर को हम इस फॉर्म में भी लिख रहे होते हैं, ठीक है। बारह वेक्टर के मैंने आप मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, 1 √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, √3 का स्क्वायर 3, और −√5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, तो ये 9 हो जाएगा, 9 √3 होता है। यार इस वक्त मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूं पूरा, बस हो जाए ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन स्टिल मैं स्किप नहीं करना चाह रहा, डेडिकेशन मेरी टीचिंग की तरफ बहुत है, एडियो में शदीद दर्द हो रहा है मेरे से, लेकिन जब स्टार्ट किया तो खत्म तो करेंगे भाई, दरमियान में नहीं छोड़ा जाता। वेक्टर ए लिखा हुआ है, वेक्टर ए को डिफाइन इस तरह किया हुआ है, P1 P2, तो P1 P2 आपको P1 और P2 अलग अलग दिया हुआ है, तो दो पॉइंट अगर दिए जाए और उससे आप वेक्टर निकाल लो, तो वेक्टर कैसे निकालते हो, P1 P2 निकालने का तरीका होता है P2 − P1, 9.1 में मैंने बताया था आपको, P1 P2 निकालने का तरीका P2 − P1, तो P2 यहां पे क्या है, P2 है −3 1 2 और P1 क्या है 0 0 1, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट करोगे, −3 − 0 − 3 होगा, 1 − 0 1 होगा, 2 − 1 1 होगा, तो ये आपके पास वेक्टर आ गया। दूसरी फॉर्म में लिखो तो आप लिखोगे −3i + j + k, और इस तरह भी लिख सकते हैं। असल चीज है कि निकालना आपको ये था वेक्टर, और इसका मतलब है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो आपने वेक्टर मालूम कर लिया, अब मैग्नीट्यूड निकालो, −3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा √11। 9 में आपके पास लिखा हुआ है a − b, ये दोनों वेक्टर है क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट है a + b। अभी आप इसको वैसे मल्टीप्लाई करो जैसे आप नॉर्मल करते थे, सॉरी दो ब्रैकेट्स को अलजेब्रा में किस तरह मल्टीप्लाई करते थे वैसे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद देखते क्या करना है, a · a, बस आप इसको इस तरह लिख दो, फिर a · b, मतलब प्लस आएगा a · b। भाई नॉर्मली क्या करते थे आप, दरमियाने प्लस लिखते थे, a को b से मल्टीप्लाई करते थे, तो वही किया, बस यहां पे मल्टीप्लीकेशन क्रॉस है, दैट्स व्हाई मैंने क्रॉस लिखा, फिर माइनस है, b को मल्टीप्लाई करो a से, तो ये हो जाएगा b · a, फिर माइनस आएगा, b को मल्टीप्लाई करो b से, तो b · b, तो बिल्कुल वैसे ही मल्टी किया जैसे अगर आपके पास नॉर्मल होता ना a − b a + b, तो आप क्या करते, a को a से मल्टीप्लाई करते, इस तरह लिख दो, अच्छा a को प्लस b से करो तो आप ab लिखते, −b को a से करते तो आप लिखते −ba, −b को b से करते तो आप लिखते −bb, तो नॉर्मल में तो आप a² कह देते, उसको ab कह देते, उसको -ab कह देते, उसको −b² कहते हो, लेकिन वेक्टर में थोड़ी चीजें चेंज होती है ना, तो जरा उसको सॉल्व कैसे करना है, याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का 0 होता है, तो ये देखो दोनों सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है 0, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है 0, ये तो खत्म हो जाएंगे। अब जो बचा वो लिख लो, ये जो a · b है इसको अपनी जगह पे लिखो, अच्छा याद रखना जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कमुटेटिव नहीं है, अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो तो नेगेटिव आता है, ठीक है, तो अगर ये b · a है और मैं इसको लिखता हूं a · b, तो मैंने इसको ऑर्डर चेंज कर दिया ना, अगर मैं इसको ऑर्डर चेंज करूंगा तो नेगेटिव अब पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, जब भी ऑर्डर चेंज किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट का नेगेटिव आता है, तो पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो जाएगा, a · b + a · b, ये हो जाएगा 2a · b। इस टाइप के सवाल वैसे आते नहीं है कभी कभी, वही बता रहा था ना कि 33 शायद आपके पास पेपर कहें 3-4 मसला करेंगे आपको, 3-4 इसी टाइप के होते हैं, खैर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 में लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट a · b, इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को, और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को मैं 2 से डिवाइड कर दूं अब वो रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो यहां तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑप्शन नंबर बी।
11 में लिखा हुआ है डायरेक्शन एंगल, ये भी टॉपिक 9.1 के अंदर मैंने करवाया हुआ है। तो डायरेक्शन एंगल अगर अल्फा बीटा गैमा है तो याद रखना ये कंडीशन होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा। अब अगेन देखो ये पास्ट पेपर में आया नहीं है लेकिन आ सकता है, बहुत सिंपल से एमसीक्यूज है। इन तीनों चीजों का सम किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। 12 में आपके पास लिखा हुआ है आई डॉट जे क्रॉस के। देखो मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि जे क्रॉस के का आंसर क्या होता है, आई क्रॉस जे का आंसर होता है के, जे क्रॉस के का आंसर होता है आई, के क्रॉस आई का आंसर होता है जे। अगर आप ऑर्डर रिवर्स करो नेगेटिव आता है, फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के, बाकी आप थ्योरी में देख लेना मैंने डिटेल में बताया। तो जे क्रॉस के बाय द वे क्या होता है, जे क्रॉस के आई के बराबर होता है, तो यहां पे आई आ जाएगा, एक आई डॉट प्रोडक्ट बाहर मौजूद था, इस पूरी चीज का आंसर आई है, तो ये बेसिकली हो गया आई डॉट आई। और डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर का वन के बराबर होता है, जैसे आपने देखा था ना क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंट वेक्टर का जीरो के बराबर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंट वेक्टर का जीरो के बराबर होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का जीरो के बराबर होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर का वन के बराबर होता है, क्योंकि सेम वेक्टर के दरमियान एंगल जीरो बनता है, कॉस जीरो वन के बराबर होता है और यूनिट वेक्टर है ना। अच्छा ये मैंने स्टेटमेंट जो दी है ना डॉट प्रोडक्ट की यूनिट वेक्टर के लिए, कोई और वेक्टर हो तो वो ए बी के बराबर होगा उनका डॉट प्रोडक्ट, लेकिन अगर यूनिट वेक्टर है ना उनका डॉट प्रोडक्ट अगर सेम यूनिट वेक्टर है तो वन के बराबर होता है। इसी तरह जे डॉट जे वन होगा, के डॉट के वन होगा, ठीक है। 13 में लिखा हुआ है एंगल बिटवीन आई एंड जे, याद रखो दो यूनिट वेक्टर के दरमियान एंगल 90 होता है, आई और जे के दरमियान 90, जे और के दरमियान एंगल 90, आई और के दरमियान एंगल 90 होता है, परपेंडिकुलर होता है सारे, ऑप्शन नंबर बी। 14 में बोला भाई यूनिट वेक्टर को एज अ वेक्टर आपने एक्सप्रेस करना है, तो देखो यूनिट वेक्टर को एज अ वेक्टर किस तरह लिखोगे, 1 0 0, ये आई जो है ना ये वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरह जे, जे की वेक्टर फॉर्म क्या है 0 1 0, और के की वेक्टर फॉर्म 0 0 1, आई जे के। तो उन्होंने आई की पूछी है तो पहली वाली, हाँ आई की पूछी थी पहली वाली कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी। और 15 में आखिरी चीज पूछी गई है आपसे 2i और 3k इनका क्रॉस प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो कैसे निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट। पहली बात नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो आंसर 6 आएगा, इनको तो मसला हल करो, पीछे बचेगा i क्रॉस k, नंबर्स में तो कोई असर नहीं होगा ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, अंदर बचा आई क्रॉस के। आई क्रॉस के का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, देखो मैंने अभी क्या बताया था, आई क्रॉस जे होता है के बराबर, जे क्रॉस के होता है आई के बराबर, और के क्रॉस आई होता है जे के बराबर, ये चीज होती है। तो के क्रॉस आई जे के बराबर होता है, आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे के बराबर, जब चेंज करते हो तो नेगेटिव हो जाता है, तो ये माइनस जे के बराबर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा -6j, ऑप्शन नंबर बी। दैट्स इट बच्चों, मेरी तरफ से जो कोशिश थी वो ना कंप्लीट करवा दी है, मेहनत से तैयारी करना, दुआ करना, मेहनत पे भरोसा करना, चीटिंग नहीं करना, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत जबरदस्त होगा। दिस इज साद लतीफ साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज।